ना साकिब भाई, साकिब नैतुल्ला भाई कराची वाले जो हैं वो अंदर इंटरव्यू है ना, तो कासिम भाई मुझे कहते हैं कि ये जो लोग आए हैं ना इस्लामाबाद से, ये मुझसे कुछ चीज़ें बुलवाने के लिए आए हैं। होती है तो वो कासिम भाई को मार देता है। तो फिर इमाम मेहदी जो है वो फिर बिल्कुल ज़ख्मी हालत में वापस जाते हैं। और मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उनका नाम भी मुझे याद है और उनका नंबर भी मेरे पास है, शहर भी है पाकिस्तानी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो मोहम्मद कासिम को इमाम मेहदी कह रहे हैं ना वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इमाम मेहदी कौन है। और उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं मदीना में रहता था और वहाँ मदीना में कुछ टाइम भी उन्होंने बताया, डेट भी बताई, टाइम तो डेट्स शायद ईयर बताया होगा। तो उस वक्त में मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम मेहदी जो हैं वो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैक। आपको जैसा कि मालूम है कि लाहौर में मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने दो दफ़ा पब्लिक गैदरिंग्स अरेंज की हैं और उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की। दोनों ही दफ़ा मेरा तो वहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम वहाँ पे गई और उस इवेंट की कवरेज और रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने की। तो हमारे साथ आज हमारे टीम मेंबर्स मौजूद हैं, मोहम्मद तौसीफ, अब्दुल्ला और ख़िज़र। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी पता चले कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये भी कुछ चाह रहे थे ये हमें ख़ुद बताएंगे कि ये क्या चाह रहे थे। तो हाँ भाई, कैसे हैं तौसीफ आप? तो हाँ जी, हम अपने टीम लीड से शुरू करते हैं। तो तौसीफ आप बताएं जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दो दफ़ा आप गए हैं, आप की तो खैर दूसरी तीसरी मुलाकात थी कासिम भाई से, ये अब्दुल्ला और ख़िज़र की लास्ट टाइम पहली मुलाकात थी जब पहला जलसा हुआ था ना, ऐसे ही है ना? तो चलें तौसीफ से शुरू करते हैं, जो अभी इस दफ़ा दूसरी थी ना, इस दफ़ा दूसरी मुलाकात थी ना, तो जो फर्स्ट टाइम जलसा हुआ है उसमें तो पहली थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ जी। तौसीफ कैसा रहा आप सुनाए? ज़बरदस्त रहा, बस मिला हूँ मैं कासिम भाई से काफ़ी अरसे बाद, यानी गैप था डेढ़ एक साल का, तो काफ़ी डिफरेंस थे, यानी डिफरेंस फील किया। डिफरेंस फील किया, क्या डिफरेंस? यानी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जैसे वो पहली दफ़ा जब मैं मिला था गलपन 2021 में, तो उस वक्त वो इतना बोल चाल में या जिस तरह वो था उनका, वो काफ़ी अब तब्दील हो गया है। तब्दील हो रहा है, ये तो बड़ी फास्ट चेंज नहीं है फिर 2021 से लेके अभी 2023 भी मिड में है। हाँ, अब माशाल्लाह वो काफ़ी, यानी वैसे भी मैंने देखा है जैसे वो रहते थे अलग-अलग और बिल्कुल बोल चाल में, यानी हमारे साथ तो वैसे भी, यानी एक तो होता है ना कि बैर का बंदा है उसके लिए और भी मुश्किल होता है, हमारे साथ तो रबते में थे या जैसे था, तो फिर भी वो जैसे शर्म फील कर रहे थे या जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो अब वो सीन नहीं था, यानी वो काफ़ी तब्दील हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है बोलने चालने में ये। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलें वो तो पब्लिक। और वैसे भी वो जवान हो रहे हैं आजकल। जवान हो रहे हैं वो कैसे? यानी काफ़ी तब्दीली आ गई है दिखने में ना। अच्छा। हाँ, यानी जैसे वो पहले दिखते थे या काफ़ी ऐसे जवान नहीं हो रहा था। अच्छा माशाल्लाह, सही सही। तो वो तो आप लोग मतलब अच्छा गपशप उनके साथ रही, तो क्या मतलब मैं ना, क्या आप लोगों ने उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया? फर्स्ट टाइम की बात करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट टाइम। हाँ, जो फर्स्ट टाइम आप गए थे उसमें, फर्स्ट लेक्चर में उनके। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में, तो बस फर्स्ट लेक्चर में इसी तरह था कि सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कहा था रब्ता किया था कुछ भाइयों ने, ये इस तरह करके भाई आपने रिकॉर्डिंग के लिए आना है उधर, तो उधर फिर हम चले गए, तो कासिम भाई, यानी वो मोहसिन भाई से रब्ता था, मोहसिन भाई ने कहा है कि कासिम भाई से पूछ लिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहले ही आ जाएं, एक दिन गपशप हो जाएगी, कुछ कराची से भी आ रहे हैं। कैसी गपशप रही? वो तो बड़ी पर्सनल गपशप होगी, आप लोगों ने रात भी गुजारी उनके साथ हैं? चले गए उनके घर में, उन्होंने बुला लिया,
तो उधर फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पहले दिन किए थे, डिफरेंट सुनते तो रहते थे आपसे भी सारे सुनी हुई थी, लेकिन वो मैं चाह रहा था यानी कि अब्दुल्ला और खिजर भाई पहली दफ़ा गए थे, तो कुछ और भी मैंने कहा चलें डीप बातें जो है मैं पूछ लूँ। तो क्या सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात आपने उनसे सीखी? इंटरेस्टिंग पहले दिन तो इस तरह था कि कोई मैंने उनसे इस तरह का नहीं, लेकिन उनसे मैंने पहले दिन जो क्वेश्चन किए थे वो जो अभी हालात हैं ना पाकिस्तान के, हाँ तो आपका इंटरेस्ट तो सारा सियासत में पॉलिटिक्स से लेकर, तो मैं आखिर जमां बिल्कुल आखिरी दिन तक गया हूँ जब तक वो सारा, लेकिन उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं वो जो छुपा गए। अच्छा छुपा जाते हैं, अब ये ना आप लोग मुझे बिठा के मुझसे उगलवाना शुरू कर दें तो ऐसी बातें क्वेश्चंस तो मैंने अभी आपसे, इन्होंने अभी पता करना क्या, इन्होंने ना कहना कि कासिम भाई तो छुपा गए, आप बोले ना आप तो काबू में वो यही सीन है ना, वो मैंने क्वेश्चंस या कुछ इस तरह जब बंदा साथ रहता है तो पता तो होता है कि ये बात भी है ऐसा ड्रीम भी है, लेकिन वो डिटेल में नहीं पता होता बंदे को कि यार ये क्या है या क्या नहीं है, वो नहीं पता होता बंदे को, तो वो मैंने सुने होते तो वो चीज़ें मैंने उनसे भी पूछी हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं। आप मुझे ये बताएं जब वो साकिब भाई एंटर हुए थे तो फिर क्या हुआ था वो वाक्य बताएं। उसमें इस तरह हुआ है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो तुम क्वेश्चन कर रहे थे? अच्छा अच्छा, देखें जी ये हम अपनी टीम के साथ बड़े फ्रैंक हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से इस पॉडकास्ट के लिए आप कहना शुरू किया था, वो मुझसे कहा नहीं जा रहा तो जैसे हम आपस में हैं वैसे ही आपके सामने भी हैं, तो चलें गुजारा करें। अच्छा आप बताओ, तो क्वेश्चंस जब मैंने वो स्टार्ट काफ़ी मैं कर रहा था ना क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ ड्रीम्स भी थे जो कि सुने हुए थे मैंने खुफिया वाले इधर से ही, यानी आपने कुछ बताए थे कुछ इस तरह थे, कुछ वो मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह के ड्रीम्स हैं जो कि यानी आपने इशारतन बताए हुए लेकिन फुली नहीं बताए हुए, तो वो फिर मैंने पूछने की कोशिश की है कासिम भाई से, तो अचानक ना कासिम भाई को कुछ मैंने वो इमरान खान का ड्रीम मेरे ख्याल पिछले दिनों आपने वो बता ही दिया है उस वीडियो में भी, खैर पब्लिश हुई है कि नहीं, वो जो जन्नम के मुतल्लिक है इमरान खान के कुछ इस तरह का था, तो वो मैं कासिम भाई से पूछा है, तो कासिम भाई अचानक ना उन्होंने देखा है ना बाकी साहब जो साथ में बैठे हुए थे कि इनको कैसे पता चला है ड्रीम है ना तो कासिम भाई कहते हैं उनको, इतने में ना साकिब भाई साकिब नैतुल्ला भाई कराची वाले जो हैं वो अंदर इंटर हुए हैं ना, तो कासिम भाई मुझे कहते हैं कि ये जो लोग आए हैं ना इस्लामाबाद से ये मुझसे कुछ चीज़ें बुलवाने के लिए आए हैं, इन्हें को अवैस नसीर ने ना तो साथ में कासिम भाई कहते हैं ना अंदर बैठे उनको उसामा को कह रहे थे, उसामा कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बताया तो इतने में साकिब भाई अंदर इंटर हुए हैं, तो कासिम भाई कहते हैं उसको साकिब नैतुल्ला भाई को ना, कहते हैं कि यार ये मैं तो कहता हूँ कि इनको ब्लॉक कर दिया करे ना, यानी वो जैसे वो होते हाँ, तो यानी वो फिर यार देखें ये आप लोगों के सामने हकीकत, ये सीधी सीधी बातें बता रहे हैं, मोहम्मद कासिम भाई ने मुझे ब्लॉक किया हुआ भाई, और वो दूसरों को भी कहते रहते हैं इसको ब्लॉक कर दो, ये मुझे इमाम मेहदी कहता है, तो अभी सुने स्टोरी सुने। अच्छा फिर क्या हुआ जी, साकिब इनायतुल्ला भाई एंटर हुए हैं ना जैसे, तो कासिम भाई कहते हैं कि यार ये ना मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग सब ना मुझे लगता है अंदर से मिले हो कह देते हो ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन तुम लोग अंदर से सारी बातें उन्हें बताते रहते हो उधर जा के यानी अवैस भाई को सारा कुछ, तो वो फिर सारे हंस पड़े, फिर मैंने क्वेश्चंस बंद कर, नहीं तो साकिब भाई ने क्या कहा था जब साकिब भाई से कासिम भाई ने साकिब भाई से पूछा कि तुमने इसे अवैस को ब्लॉक किया कि नहीं, ये पूछा जैसे ही इंटर हुए, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये सारे अंदर से मिली हुए हैं खबर उतर देते हैं, तो इतने में ही साकिब भाई अंदर इंटर हुए ना साकिब भाई तो ना कहते हैं कि साकिब भाई को कासिम भाई ने पूछा ना कि तुमने ब्लॉक किया है, कुछ इस तरह की वर्डिंग थी पता नहीं मुझे याद नहीं है क्या थी, किधर अब्दुल्ला साकिब भाई से, हाँ साकिब भाई साथ ही खड़े थे, तो कासिम भाई ने उनसे जब ये बात हो रही थी ना, तो कासिम भाई ने पूछा कि तुमने ब्लॉक किया है उनको, घबराहट में कह दिया कि मेरे पास नंबर ही नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, वो बिल्कुल परेशान हो गए ना साकिब भाई की अचानक कौन सा क्वेश्चन कर दिया ऐसा, जैसे इंटरव्यू है तो उन्होंने कर दिया,
इस तरह से। क्या लगा कि भाई वो इमाम मेहदी की तो इस्लाह एक रात में होनी है, तो स्पीड उनकी काफ़ी तेज़ नहीं है वैसे चीज़ें पिक करने की? 40 साल में उन्होंने जो चीज़ें नहीं सीखी वो 1-2 साल में सीखते जा रहे हैं, ये क्या सीन है? अल्लाह ताला ने काफ़ी चेंजिंग लाई है, तो इस्लाह तो उनकी एक रात में होनी है, तो आप ये तो स्लो स्लो इस्लाह हो रही है, आपके क्या तसरात हैं? इस तरह की चीज़ें पूछी हैं डिफरेंट, तो वो ऐसे है कि अभी आपको कुछ पता होगा कि अल्लाह ताला उनसे क्या कोई इस तरह का जो है उनके साथ क्या मामलात हो गए। चले अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन लगता है खिजर तो है ना, ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं करता, फायर मारता है। तो तुमने क्या सवाल किया था? मैंने उनसे वैसे भी वो जो काले जंगी जहाज़ों का सवाल किया था, वो जो बताते हैं ना कि तो अब्दुल्ला तुम्हें बड़ा फनी लगा था इसका सवाल क्यों? हम डर गए थे ना कि ये डायरेक्ट ना शुरू हो जाए, इसने बोल डायरेक्ट ना पूछ लें कि आप इमाम मेहदी हैं तो नहीं, वो आपके दूसरे नुमाइंदे फरीद ने पूछ लिया अगले दिन। तो फिर उसका उन्होंने जवाब दिया था, ड्रीम सुनाया था ना उन्होंने, तो वो फिर असल में मैं पूछ उनसे ये रहा था कि हदीसें पढ़ी है ना मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें तो आता है ना कि काले निशान काले झंडों का जिक्र आता है ना, तो अब कासिम भाई ने एक मतलब कि वो जो चीज़ पहले नहीं थी सुनने में आती थी कि काले मतलब झंडे होंगे ना, तो अब कासिम भाई ने मतलब ये चीज़ बताई है कि असल में वो काले निशान जो तुलू होंगे, हदीस में भी यही लफ्ज़ आता है ना कि वो राइज करेंगे, तो फिर मैंने उनसे ये सवाल किया था कि वो काले जो, क्योंकि एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लश्कर यहाँ से जाता है एलिया में ना बैतुल मक़दस में, तो वो अपने झंडे जाके वहाँ गाड़ देता है, तो अब जहाज़ जो है वो तो गाड़े नहीं जाते ना, मतलब झंडा गाड़ा जाता है, तो ये मैंने उनसे सवाल किया था, तो इसका उन्होंने फिर जवाब दिया था क्या कि मतलब वो निशानी के तौर पर जो है ना वो जैसे अब जो जहाज़ उस तरह झंडा गाड़ने का मतलब होता है अपनी हुकूमत कायम करना, ये तो सिंबॉलिकली भी वैसे भी आम भी इस्तेमाल होता है, अपना झंडा गाड़ दिया, अपनी हुकूमत कायम कर दी, अपना असर रसूख कायम कर दिया, तो जहाज़ जाएगा तो वो अगर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, फतह कर लेंगे, तो इसका मतलब होगा झंडा गाड़ दिया। लेकिन मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि झंडे भी होंगे और जहाज़ भी होंगे, जहाज़ भी काले रंग के होंगे और वो जो फौज का झंडा होगा ना वो भी काला आलम होगा उसका, तो ये जवाब उन्होंने भी यही दिया। हाँ झंडा भी होगा और वो तो काले जंगी जहाज़, वैसे काले रंग का जहाज़ मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई फाइटर जेट मौजूद है, क्योंकि काला रंग जो है वो वैसे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो जब वो सुपरसोनिक स्पीड पर जाएगा तो वह तो आग पकड़ लेगा, तो उसका बजाते खुद काले रंग का होना भी ना ये एक साइन होगा कि दीज आर नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है और ऐसी कोई इन्वेंशन हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा मौजज़ाती चीज़ है कि दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एज डिस्कवर्ड एट दैट पॉइंट, तो वो कोई उस जैसी कोई इन्वेंशन ही नहीं होगी, मतलब सुपरसोनिक स्पीड पर आप ब्लैक कलर के जेट को लेके जाएं, ग्रे तक तो चलता है ठीक है, लेकिन ब्लैक नहीं चल सकता। तो खैर तो फिर बस वो उसका उन्होंने जवाब दिया था, तो वैसे मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कासिम भाई से जो मैंने मुलाकात की थी, तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि मिलना है, आखिर अल्लाह ने मिलवा ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब जो तुम लोग बार बार मिलते हो मैं नहीं मिलता इंशाल्लाह अभी मिलेंगे दोबारा जैसे अल्लाह को मंजूर हो। तो मैं जब उनसे फर्स्ट टाइम जाके मिला तो पहले तो मैं उनको देख के, तो मैं मतलब कि एक होता है ना कि बंदे को घबरा गए, घबराया तो नहीं था लेकिन ये कि बड़ा अच्छा फील हुआ था ना उनको देख के। तो उनसे मैं जब मिला तो मतलब वो मेरे से ऐसे मिले ना जैसे एक होता है ना कि आजकल आप किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी से मिल लेना तो उसके मिलने में थोड़ा सा एटीट्यूड होता है ना, डिस्टेंस रख के मिलते हैं। हाँ तो अब कुछ पीरों से भी मिला हूँ तो वो मतलब अपने मरीदों से ऐसे मिलते हैं जैसे मतलब ना मिलने के बराबर हो, बहुत ज़्यादा उनमें फ़ख्र हो वो चीज़ होती है ना। तो कासिम भाई से सबसे पहले मैंने ये चीज़ फील की थी जब मैं उनसे मिला था ना कि वो बहुत आजी से मिलते हैं किसी से, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वो मिले थे। उसके बाद जब मिलने के बाद भी ना वो पूरा मतलब मैंने जो चीज़ फील किया ना कि वो जिस बंदे से मिल रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं ना तो उनकी पूरी तवज्जो उस बंदे की तरफ होती है, पूरी उसकी बात सुनना, मुकम्मल जवाब देना, ये चीज़ मैंने ये पहले ये चीज़ फील की।
उसके बाद क्योंकि मैं हम काफ़ी अल्लाह हमें भी तौफीक दे, मुझे थोड़ी इस चीज़ में होती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जब लोगों से मुलाकात होती है। तो उसके बाद फिर क्योंकि हम वहाँ काफ़ी देर रुके थे तो उसके बाद ये चीज़ मैंने फील की कि मतलब अब आज के दौर में ना आप किसी बड़े शख्सियत जो दुनिया में अल्लाह ने जिनको मुकाम दिया है कोई मजहबी हों या दूसरे हों तो उनसे अगर आप मिलें पहली बात है उनसे मिलना मुश्किल है, तो अगर मुलाकात हो भी जाए तो वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, तो 5-10 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो मिलेंगे बात करेंगे। तो अब इमाम महदी जो है वो इस्लाम में बहुत बड़ी मतलब एक शख्सियत, मामूली शख्सियत तो नहीं है, तो अब हम क्योंकि उनको इमाम महदी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वो जितनी देर हम वहाँ पर रहे ना तो वो हमारे पास ही रहे, मतलब एक होता है ना कि वो ये चीज़ भी फील कर सकते थे ना कि मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ, मेरा एक स्टेटस है, तो मैं थोड़ी देर बैठूँ फिर चला जाऊँ, मतलब तो अब बैठूँ भी स्टाइल से एक तरीके से ठीक है जिसमें मेरा बड़ापन नज़र आए। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी उनमें जो मैंने किसी में नहीं देखी ज़्यादातर, तो वो आए हमारे पास बैठे और मतलब इस तरह हमारे साथ घुल मिल गए जैसे वो हम ही में से हैं, मतलब कोई उनमें बड़ापन कोई एटीट्यूड कोई ऐसी चीज़ हैं भी हम में से ही, आम इंसान जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों में से ही अल्लाह ने पैदा फरमाए थे। ये तो एतराज़ था मुशरिकीन को कि ये आम इंसान के तौर पर क्यों पैदा हुए, कोई फरिश्ता क्यों नहीं वही लेकर आ गया। लेकिन मैं कंपेयर करके बात करूँ ना कि हाँ, लेकिन मुकाम अल्लाह ने उनको वो दिया। आजकल के लोगों को जो स्टेटस होता है ना तो वो थोड़ा सा मतलब कि वो हाँ सब होते बराबर हैं लेकिन अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ लेकिन उनमें मैंने ये चीज़ फील नहीं की ना कि उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि उनकी तो मैंने बहुत मैं उनसे मुतासर हुआ उनके करेक्टर का और उनके जो मतलब आजिज़ी उनमें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई है। और वो बल्कि उधर ही वहाँ पे थोड़ी देर लेटे थे हमारे पास ना अब्दुल्ला भाई को यहाँ याद होगा, तो वहीं पे ना वो लेटे लेटे वहीं सो गए, तो वो मोहसिन भाई बैठे थे उनकी गोद में ही सर रख के वो पहले मोबाइल यूज़ करते रहे तो फिर वहीं पे वो सो गए, मोहसिन भाई वहाँ फंस गए यहाँ पे सर रख दिए कासिम भाई ने। चलो स्वाद कमाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बहुत मुतासर हुआ। आपके क्या हालात हैं, आप भी मुतासर हुए? ये मुतासर हुए हैं, बड़ा अच्छा रहा था उनके साथ मुलाकात में। क्या सवाल किया तुमने? नहीं मैंने उनसे डायरेक्टली तो नहीं सवाल किया, लेकिन एक वैसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि तो उनसे दुआ नहीं कराई अपनी शादी के लिए? नहीं मैंने नहीं कराई। तो किसी ने और नहीं तुमने कराई? हाँ मैंने दुआ तो शादी की तो नहीं कराई, वो उस टाइम ना वो मेरे मामू फोत हो गए थे ना, अल्लाह जल्ला तो वो फिर जाते हुए ये हुआ कि मुझे याद है जितना वो शादी ना वो गायबी ना वो सगीरी ना वो कबीरी ना وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان امين। अच्छा तो वो फिर मुझे शुक्र है मैंने उनसे दुआ करा ली जाते हुए, मैंने उनको कहा कि इस तरह कासिम भाई मेरे मामू फोत हो गए तो उनके लिए दुआ कर ले, उन्होंने बड़े अच्छे उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए उनकी मगफिरत फरमाए। अब कुछ बोल दो भाई आप भी बता दो। नहीं मैंने जो मोस्टली खाली उनको मैंने ऑब्जर्व किया था ना कि वो किस तरह से रहते हैं बात करते हैं ये तो ये है कि वो शर्मीले थोड़े बहुत आते हैं अगर ऐसा कंपेयर किया जाए ना वीडियोस के हिसाब से, वो हंसते भी हैं तो मुंह पे हाथ रख लेते हैं अपने और बहुत ऊंचा बोलते भी नहीं हैं। सही तो वो तो सिर्फ भाई ने उनसे बहुत वो किए हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ कुछ बातें ऐसे लगता है कि वो छुपा रहे थे या बता नहीं रहे थे, तो वो मेरे जहन में एक है क्यूरियोसिटी कि मैं क्या वो क्या बातें जो मैं छुपा रहे थे। अच्छा चलो जी, क्या ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने छुपा दी? वो तो मुझे नहीं पता कौन सी बात छुपाई। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे क्या पता क्या आप बता रहे? एक उनका ड्रीम है उसका मैंने सिर्फ जिक्र सुना है कि आप और वो तौसीफ भाई ना बहुत वो डिस्कस करते हैं आपस में, लेकिन मुझे ड्रीम का नहीं पता वो कौन सा है। इनसे मैंने पूछा भी था इन्होंने भी नहीं बताया ना, उसमें ये पता नहीं वो रहमान वाला कोई ड्रीम है कहते हैं वो ड्रीम है रहमान वाला। हाँ अब वो पता नहीं कौन सा ड्रीम है वो, पता नहीं आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा, बड़े इंटरेस्टिंग है वो, एक पूरी सीरीज़ है ड्रीम्स की कि कासिम भाई ना बड़े लाडले हैं अल्लाह के ना, अल्लाह ने बड़ा लाड दिया उन्हें ड्रीम्स में। और आप ख़ुद सोचें कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे तो
तमाम अम्बिया के इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा फरमाई, तमाम अम्बिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाह ने आपको सबसे अफजल और अरफा मुकाम दिया, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ बुलाया जहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी पर जलते हैं, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी आजमाइशों से भी गुजारा, बड़ी मुशक्क़तों से भी गुजरे, ताइफ में पत्थर खाए, शैब अबी तालिब में 3 साल गर्मी सर्दी प्यास भूख अफलास में गुजारे, खाना काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे तो आके मुशरिकीन ने ऊपर ऊँट की गंदी उजड़ी रख दी, और फिर यही नहीं अल्लाह ताला ने साहबजादे अता फरमाए कासिम और इब्राहिम, तो अल्लाह ने छोटी उम्र में ही उनको ले लिया, फिर यही नहीं नवासे अता फरमाए हसन और हुसैन, उनको भी शहीद कर दिया गया, हज़रत अली हज़रत इवन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं रिश्तेदार हैं सब के साथ मशक्क़तें आईं, हज़रत खतीजा जो हैं शैब अबी तालिब की तकलीफ़ और मशक्क़त के बाद जो है वो फिर ज़िंदगी नहीं गुजार सकी, उसी साल वो वफात हो गई उनकी, चचा अबू तालिब भी वफात पा गए उसी मशक्क़तों के बाद, तो लेकिन अल्लाह के बरगजीदा पैगम्बर हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अब अल्लाह का मामला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, और जैसे ज़मीन उस वक्त में ज़ुल्म व सितम से भर चुकी होगी, अल्लाह ताला इमाम मेहदी के हाथों उसको अदल व इंसाफ़ से भर देगा, तो वो जो इमाम मेहदी हैं हदीस के मुताबिक वो रसूलुल्लाह के बेटे होंगे, तो जब रसूलुल्लाह के बेटे होंगे और रसूलुल्लाह के बेटे जैसे हैं मोहम्मद कासिम, तो वो मशक्क़तें जो रसूलुल्लाह ने उठाई हैं अब औलाद के साथ, तो अल्लाह ताला ने ख़ास फिर रसूलुल्लाह की औलाद के साथ अल्लाह ने फिर ख़ास शफ़क़त का मामला करना है ना, तो कासिम भाई बड़े लाडले हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला के, इतने लाडले हैं कि हम अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक़ को समझ ही नहीं सकते। इवन ये वीडियो भी जो लोग देखेंगे अपने अपनी तरह तरह की बातें करेंगे लोग, मेरे समेत कोई भी उस ताल्लुक़ को समझ ही नहीं सकता। बचपन से ही कासिम भाई ने चीज़ें अम्मी अब्बू से नहीं अल्लाह से मांगी हैं, और अल्लाह से ऐसे नहीं मांगी जैसे मैं और आप मांगते हैं कि दुआ की कि कोई नज़र नहीं आ रहा, ऐसे मांगी हैं कि वो अल्लाह ख्वाब में आता था फिर जवाब देता था बात करता था, और क्योंकि अल्लाह का जिक्र हर वक्त होता रहता है, बच्चे बड़े सब करते हैं, अल्लाह से चीज़ें भी मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएँ भी करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं, तो एक बच्चा है उसको बचपन से ही अल्लाह ताला बातें कर रहा है ख्वाब में आ रहा है, तो उसके जहन में ही कभी नहीं आया कि ये सब भी जो अल्लाह का जिक्र करते हैं ये अल्लाह को वैसे नहीं जानते जैसे मैं मुझे अल्लाह ने तारुफ कराया है, तो वो अल्लाह को एज़ अ पर्सनैलिटी एज अ थिंग यानी हमें तो अल्लाह लगता है पता नहीं अल्लाह जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं है, पता नहीं अल्लाह का हमारे साथ क्या मामला होगा, उनका ऐसा नहीं है, उन्हें ख्वाब में अल्लाह ताला गुफ्तगू करता है जवाब देता है बात करता है, तो उनका एक लाड है अल्लाह के साथ, और लाड और प्यार ऐसा है कि वो ज़िद्द की हद तक बड़ा हुआ है, और अल्लाह ने उनको इतना लाडला रखा हुआ है कि वो जैसे स्पॉयल नहीं बच्चों को बाज़ोकात पेरेंट्स कर देते प्यार दे दे के, तो वो हिसाब है इतना प्यार दिया हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स में फिर बच्चे कभी ज़िद करते हैं ना जैसे अम्मी अब्बू को कहते हैं आपने ये नहीं ला कर दिया मैं बात नहीं करूँगा मैं ये वो, कभी टांगे मारते हैं कभी क्या, तो कासिम भाई भी इस टाइप की ज़िद्दें बड़ी अल्लाह ताला से करते हैं, तो वो अगर मैं सारी यहाँ बता दूँ तो पता नहीं कितने फतवे लग जाएंगे, लेकिन मैं इतनी कुछ बताता हूँ कि वो किसी बात पे कासिम भाई ना अल्लाह से नाराज़ हुए जैसे, और अल्लाह के साथ एक एज अ यानी उनकी हाँ जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा लाड प्यार था कि अल्लाह ताला फिर बात भी करता था जवाब भी देता था, तो उस टाइप की सिचुएशन है शायद लाड के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम भाई के जद्दे अमजद कासिम भाई के वालिद कह सकते हैं आप, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि फिर कासिम भाई के साथ उनकी औलाद के साथ अल्लाह ताला ने बड़ी नरमी का मामला रखा हुआ है, तो वो जो लाड वाला मामला है नरमी वाला मामला है ना वो तो शायद बहुत ही ज़्यादा है, तो किसी बात पर मतलब मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, कासिम भाई ने अल्लाह ताला से कहा कि ये क्यों ऐसे किया है, वो कहा भी बड़े स्टाइल में वो ऑफ कैमरा में आपको बता दूंगा
तो एक्सट्रीम जैसे लाड होता है उस तरह से। तो वो फिर इस तरह हुआ, फिर कोई और बातें हुई, कासिम भाई ने अल्लाह से फिर कासिम भाई ने क्या किया कि एक पूरा ना लिस्ट बनाई कि अल्लाह ने मेरे साथ ये भी बुरा किया, अल्लाह ने मेरे साथ ये भी बुरा किया, अल्लाह ने मेरे साथ ये भी नहीं दिया, मुझे ये भी नहीं दिया। मैं जब छोटा था मैं भी मतलब जहन में अपने लिस्ट बनाता था, कासिम भाई ने गालबन लिख के भी बनाई हो, अब ये मुझे सही पता नहीं है। मैं जहन में बनाता था मेरे अब्बू ने मुझे खिलौना नहीं लेके दिया, फलां जगह पे जाना था पैसे नहीं दिए, फलां जगह था ये खाना था ये नहीं खिलाया, मतलब जैसे अक्सर बच्चे करते हैं तो कभी नाराज़ होते हैं ना, तो पूरी लिस्ट जहन में। तो कासिम भाई ने ऐसे पूरी लिस्ट तैयार की ना, तो वो इस तरह चलता रहता था मामला। तो आखिर एक दिन क्या हुआ कि वो लिस्ट जो है ना वो अब तो देख रहा है ऊपर से, तो ड्रीम तक बात पहुंच गई। अब कोई सिचुएशन उसमें चल, यानी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी कि वो शिकवे बड़े थे लेकिन कोई क्या कर सकता था, बंदा क्या कर सकता है अल्लाह के आगे, अल्लाह तो अल्लाह है। तो आखिर कासिम भाई ने एक दिन ना अल्लाह को अर्रहमान करके बुलाया। तो अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने सूरह रहमान उस दिन सुनी या कहीं जहन में अब कोई बात आई या कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने अल्लाह को अर्रहमान करके बुलाया। तो कासिम भाई ख्वाब में क्या देखते हैं कि किस फॉर्म में उन्होंने अल्लाह को देखा है ये वही बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अल्लाह को किसी नूर की फॉर्म में या किसी इशारतन देखते हैं, या ऐसी जिम्मे खड़ा हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि जी ये ऊपर अल्लाह का अर्श है, इससे ऊपर नूर है, इससे ऊपर अल्लाह होगा। हाँ, तो यानी अब ज़रूरी नहीं है कि मैं देखूँ ऊपर, तो तौफीक ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी इंसान की के ऊपर देखे, तो बस फील है कि ये बस ये अल्लाह है और ये बोल रहा है और ये आवाज़ आ रही है, और बस नज़र ना भी आ रहा हो तो बंदा महसूस कर सकता है कि ये उसका अर्श है और उसके ऊपर अल्लाह मौजूद है, जैसे अभी हम महसूस करते हैं कि ऊपर अल्लाह है, तो वो उससे ज़्यादा महसूस करते होंगे ड्रीम में, और भी ज़्यादा अल्लाह ताला के कुर्बत से उनको महसूस करवाता है। तो कभी कभी सिम्बॉलिकली भी किसी फॉर्म में भी शायद देखा हो, इस ड्रीम का मुझे नहीं पता कि किस फॉर्म में देखा, लेकिन एनीवेज ऐसा हुआ कि अर्रहमान एक पर्सनैलिटी, मैं ये पर्सन नहीं कह रहा, पर्सनैलिटी कह रहा हूँ, अब वो नूर है कोई फीलिंग है क्या है वो कासिम भाई बेहतर बता सकते हैं, वो कासिम भाई को कहता है अर्रहमान कि आओ आज अल्लाह को पूछते हैं कुछ इस तरह से। तो फिर ना अल्लाह जो है वो, यानी अल्लाह एक है, वाहिद है, कहार है, जब्बार है, अव्वल है, आखिर है, वो एक है, लेकिन उसके रंग बहुत सारे हैं, उसके सिफात बहुत सारी हैं। तो अब ये जो ड्रीम में पर्सनैलिटीज़ फील हो रही हैं ये पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं, ये सिफात हैं, और अल्लाह जो है वो इन सब सिफात का, यानी इन सब सिफात का मालिक है, समझ आ रही बात। तो अब जो अल्लाह की रहमान वाली सिफत है ना, वो सिफत की बात हो रही है, अल्लाह नहीं दो हो गए, अर्रहमान वाली सिफत जो है वो अल्लाह को, यानी वो अर्रहमान वाली सिफत कासिम भाई से ऐसे कि भाई अल्लाह के ज़रा साथ ज़रा करते हैं। तो वो फिर जैसे अब माँ बाप बच्चे को बहलाने के लिए करते हैं ना, आओ ना आज मामा को पूछते हैं, तो अब मामा भी एक्टिंग कर रही हैं कि मैं डर रही हूँ, हाँ जी और बेबी आ गया, मुझे गुस्से में है और ये वो, मतलब जैसे एक खेल कह लें। तो इसको मैं जिस नज़र से देखता हूँ, उन वो ड्रीम में बड़े सीरियस होते हैं, जैसे बच्चा बड़ा सीरियस होता है ऐसे मामलों में। तो वो फिर अर्रहमान जो है वो, यानी कासिम भाई के साथ मिलके ना, दोनों मिलके ना वो फिर अल्लाह को ज़रा पीछे। अब उसमें फिलॉसफी ये है कि कासिम भाई बताते हैं कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह जो अल्लाह नाम है उसमें अल्लाह की सारी सिफात हैं, वो अर्रहमान भी है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो ज़ुलजलाल वल इकराम भी है, ज़ुल अर्शिल मजीद भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो ज़ाहिर भी है, वो बातिन भी है, वो अज़ीज़ भी है, वो गफ़ार भी है, मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, तमाम सिफात आती हैं। लेकिन अर्रहमान जो सिफत है ना अल्लाह की, उसमें अल्लाह की सिर्फ रहमत की सिफत कूट कूट के भरी हुई है। और जब कोई बंदा अल्लाह को अर्रहमान करके बुलाता है तो अल्लाह अपने ऊपर लाजिम कर लेता है कि मैंने इसको रहमान बन के दिखाना है, तो वो रहमान वाली सिफत ऐसे गालिब आ जाती है अल्लाह की बाकी सिफतों के ऊपर, जैसे कि इस ड्रीम में महसूस हो रहा है कि वो फिर गालिब आ रही होती है कि फाइनली फिर अर्रहमान जो है वो,
یعنی اللہ کے رحمان والے صرف بندے کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اللہ کی باقی صفتوں کو دبا کے۔ تو یہ جو ڈریم ہے بیسیکلی دیکھیں آپ، وہی تو آنی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنی ہے آخری زمانے میں۔ تو اب وہ جو جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے نا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اللہ نے اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ اس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3194 ہے۔ تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبولک فارم میں، ڈریم کی فارم میں قاسم بھائی کو دکھایا، اور اس میں قاسم بھائی کی ایک پرسنل سٹوری بنا دی ہے، ایک تعلق کے بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ڈریمز میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ خواب اور اس کے علم کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ڈریمز میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کوئی سمبلزم کے فارم میں، کسی سٹوری کے فارم میں اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھا دیتا ہے، کوئی پیغام دے دیتا ہے، اور عملاً اس کے انٹرپریٹیشن پھر اللہ سمجھا بھی دیتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ الرحمن والا خواب آپ پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پھر وہ آپ نے کوئی ویڈیو پبلش کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ جس کے اینڈ میں قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے، لگتا ہے اویس نے تمہیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے، تم مجھ سے اگلوا رہے ہو، وہ کیا بات ہوئی تھی؟ بس وہ اس میں اصل میں کچھ چیزیں زیادہ بھی ہو گئی ہیں، میں قاسم بھائی کو ویسے میں چاہ رہا تھا کہ اس اوور آل بتا دیں، ادھر ہیلپرس بیٹھے ہوئے تھے تو چلیں، تو کچھ چیزیں میں نے، تو وہ جو میں پوچھ رہا تھا پتہ نہیں باپ بھی بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے اوپنلی، کیونکہ میں نے وہ جو پبلش کیا وہ میں نے کٹ کٹ کر دیا ہے سوال اس میں اپنے والے جو تھے جو میں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ آپ پوچھیں تب مجھ سے جب آپ بتائیں۔ مجھے کیا پتا کیا بات ہے وہ، یعنی کویسچن اس طرح تھا کہ میں نے قاسم بھائی سے کیا کہ دجال کو دجال کیوں بنایا گیا، دجال دجال کس وجہ سے، یعنی وہ کیا کہا انہوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ قاسم بھائی نے رول کر دیا بات، انہوں نے بتایا نا، انہوں نے بتایا کہ اس کی بھی ایسی اسٹوری ہے جیسے شیطان کی اسٹوری ہے ابلیس کی، کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو حالانکہ وہ بہت نیک تھا، تو اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ یہی کوسچن میں نے کیا نا قاسم بھائی سے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی بھی ایسی اسٹوری ہے دجال کی بھی۔ اسٹوری اسٹوری یہ ہے دراصل، ہوگی اسٹوری ہوگی، وہ بھی آیا تو نہیں ہے نا، مطلب دنیا کی اسٹوری کی بات کر رہے ہیں اس کی۔ ہاں اس کی اسٹوری اسٹوری ہو چکی ہے اس کی بھی دجال کی۔ بیسیکلی ہمیں کچھ جو ویک روایات میں کچھ سائنز ملتے ہیں نا، کہ اس کے دائیں طرف دائیں گال پہ تل ہوگا، اور کچھ اور باتیں کہ حجاز میں پیدا ہوگا، امام مہدی کے جو سائنز ملتے ہیں، امام مہدی کے جو ہمیں سائنز ملتے ہیں کہ اس کے دائیں گال پہ تل ہوگا، بعض بہت ویک روایات میں یہ آتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوگا، اور اس طرح کے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ امام مہدی کے جو سائنز، کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جو اگر آپ اس طرح سے جوڑیں نا، بہت ویک روایات کو بھی لیں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ امام مہدی کے سائنس تو سارے قاسم بھائی پہ پورے اترتے ہیں، لیکن جو بہت ویک روایات یا اس طرح سے جن کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کسی اور پہ پورے اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں دجال پہ۔ دراصل وہ ہے جس کے دائیں سائیڈ پہ تل بھی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یوں کہہ لیں کہ جیسے دو کینڈیڈیٹس رکھے امام مہدی کے لیے، دو اشخاص کو کینڈیڈیٹ بنایا امام مہدی کے لیے، تو ایک مطلب دونوں میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ٹریننگ دے رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، کوئی تربیت کر رہا ہے، کچھ ٹاسک دے رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں قاسم بھائی کو ڈریمز میں نظر آ رہی ہیں، بہت عرصے سے قاسم بھائی ایک شخص کو دیکھتے تھے اپنے خوابوں میں، تو اکثر نا قاسم بھائی اسے ہار جاتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کون ہے کیا ہے، بس ایک شخص ہے، اور اس سے ہارتے تھے، وہ بار بار اس سے ہارتے تھے، وہ ٹاسک
वो कर लेता था, वो जीत जाता था, वो आगे निकल जाता था। हत्ता कि ये सिचुएशन हो गई कि एक दफ़ा कासिम भाई कहते हैं कि मैं और वो शख्स, अभी तक वो शख्स है, नाम शायद अब तक पता चल चुका हो या बाद में पता चला, बहरहाल कासिम भाई और वो शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, वो बैठे हुए और अल्लाह सामने है ना, तो अल्लाह ताला अपनी पूरी तवज्जो उस अब्दुर्रहमान पे डालता है और कासिम भाई की तरफ, जैसे आप यूँ, अब ये अल्लाह का ऐसे मामला तो नहीं है कि वो आँखों से देखे या कुछ, वो कुछ सिम्बॉलिकली होता है ड्रीम्स में, लेकिन उसको अगर अल्फाज में पुट करें तो वो ऐसे होता है कि जैसे अल्लाह नज़र फेर के भी नहीं देखता या नज़र उठा के भी नहीं देखता कासिम भाई की तरफ, ऐसे पूरी तवज्जो उस अब्दुर्रहमान की तरफ की होती है, वो इतना यानी वो जीत रहा होता है कासिम भाई से। तो उस जीत की वजह से ना उसके अंदर एक तकब्बुर आ जाता है और नेकी में जीत रहा होता है, अल्लाह की रज़ा में जीत रहा होता है, अल्लाह के अल्लाह जो ट्रेनिंग दे रहा होता है उसमें जीत रहा होता है। तो जब ऐसा होता है ना, वो इतना जीत जाता है तो वो फिर कासिम भाई का मजाक उड़ाता है, हंसता है और हकारत की नज़र से कासिम भाई को देखता है और ऐसे हंसता है कि वो फिर हंसता ही चला जाता है कि तुम बड़ा मेरे साथ मुकाबला कर रहे थे। अब रियल में कासिम भाई उसे कभी नहीं मिले, ये ड्रीम्स की स्टोरी है, यानी कोई स्टोरी हो सकता है अल्लाह ताला उसे भी ख्वाब में दिखा रहा हो। तो जो मैं समझा वो ये है कि दो कैंडिडेट्स थे कि किसने इमाम मेहदी बनना है और कौन अल्लाह का खलीफा बनेगा ज़मीन पर। एक अरब में पैदा हुआ, शायद मदीना में पैदा हुआ, वल्लाहु आलम, अरब में, बहरहाल इतना कन्फर्म है कि अरब में पैदा हुआ, हिजाज में शायद हुआ, और दूसरा ईस्ट में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, दोनों का कंपटीशन हो रहा है। तो जो अरब में पैदा हुआ उसको वैसे भी तकब्बुर है दीनी लिहाज से कि भाई हम खदमैन हरमैन अशरीफैन हैं, हम अरब लोग हैं, हम अजमियों से बेहतर हैं, उनको वैसे भी सुपीरियॉरिटी है जो कि वो हमें नज़र भी आती है, वो शो भी करते रहते हैं वो सुपीरियॉरिटी। और दूसरा जो है वो हिजाज में पैदा हुआ और जैसे आपने कहा कि वैसे भी हमें अपने आप को थर्ड वर्ल्ड समझते हैं, दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी हम अरबों को बेहतर समझते हैं, तो हमारे अंदर एक नेचुरली भी एक आजजी है, पाकिस्तानियों के अंदर कुछ होगा को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तकबर नहीं हो सकता, बड़ाई नहीं हो सकती, ना हम दुनियावी लिहाज से अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, ना दीनी लिहाज से बेहतर समझते हैं, तो नेचुरली कासिम भाई के अंदर भी वही आजजी है। तो वो फिर जब हंसता है और हंसता ही चला जाता है, हंसता ही चला जाता है, वो रुकता ही नहीं है। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसान यकूनु खैरम मिन्हुम, सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए। ये नहीं फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक ना उड़ाए, कोई भी दूसरे का मजाक ना उड़ाए, कौमिन। और बाद में फिर बताया कि निसा, इन ख्वातीन भी ऐसे ही करें कि कोई खातून दूसरी खातून का मजाक ना उड़ाए। और फिर अल्लाह बताता है कि हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। और ये चीज़ अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है, मजाक उड़ाना, इवन दुश्मन का मजाक उड़ाना, इवन इंडिया का अगर आप क्रिकेट मैच जीत जाएँ और हम मजाक उड़ाते हैं तो वो भी अल्लाह को नहीं पसंद, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है अल्लाह की इबादत करने की, अल्लाह की वादानियत पर ईमान लाने की, उनको तौफीक नहीं मिली। तो अगर वो नहीं है आपसे बेहतर, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, मुशरिकीन मुसलमानों से बेहतर नहीं है, लेकिन अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि आप तकब्बुर करें, मजाक उड़ाएं, अपने आप को उससे बेहतर करें। जब आप मजाक उड़ाते हैं ना तो आप सक्सेस को खुद से मंसूब करते हैं, अल्लाह से नहीं मंसूब करते। तकब्बुर मजाक उड़ाने में ये एक बड़ी ख़ास बात है कि मजाक उड़ाने वाला खुद को बेहतर समझता है, सक्सेस को खुद से मंसूब कर रहा होता है, अल्लाह से मंसूब नहीं करता, किसी देने वाले से नहीं मंसूब करता। तो जब आप अल्लाह से सक्सेस को मंसूब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, जाके सब सक्सेस ही आपने खुद नहीं हासिल की, चाहे आपको काफरों पर भी सक्सेस हो फिर भी आप मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको सक्सेस दी है। अपने से मंसूब नहीं करेंगे तो आप दूसरे पर हंस ही नहीं सकते। तो अगर वो आपसे बेहतर ना भी हों तो अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि उनको आपसे बेहतर कर दे, कि जैसे मंगोलों को अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों को काफरों से मरवाया, मंगोलों से, क्योंकि मुसलमानों के करतूत ही ऐसे थे, बाद में अल्लाह ताला ने मंगोलों को मुसलमान कर दिया तो बेहतर हो गए ना, फतह भी उनको मिल गई और उनके जरिए से अल्लाह ताला ने दीन भी संभाल लिया। तो अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो इवन काफिर को भी आपसे बेहतर कर दे। तो मजाक उड़ाना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब वो मजाक उड़ाता है ना तो फिर अल्लाह ताला को बड़ा गुस्सा आता है, अल्लाह ताला बरहम होता है, और मामला उसका ये होता है कि वो नेकी में आगे बढ़ गया होता है, हद तक कि अल्लाह को पसंद आ जाता है। जो अल्लाह को पसंद आ जाए उसकी क्या ही बात है। तो और उसके लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो
प्राइड में आ जाता है, और जो ही प्राइड में आता है अल्लाह ताला फौरन उसको कैंसिल कर देते हैं, और अल्लाह ताला उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो दज्जाल बन गया, और कासिम भाई को अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये इमाम मेहदी बनेगा, यानी हालांकि जीत हो रहा होता है। तो ये वो स्टोरी है दज्जाल की कि वो दज्जाल कैसे बना। और वो जो वीक रवायात में हमें साइंस मिलते हैं ना, वो दज्जाल पे पूरे क्यों उतरते हैं? इसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि कुफार ने, शैतान ने रवायात में मिक्स करवाई हैं चीज़ें, इसीलिए वो ऑथेंटिसिटी पे पूरे नहीं उतरते। कोई सी सही रवायत में आपको ये तिल वाली मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाली रवायत नहीं मिलेगी, इंतहाई वीक ज़ईफ़ में भी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि ये शैतान ने मिक्स करवाया हो ताकि लोग उसको इमाम मेहदी समझें, जो कि असल में दज्जाल होगा। वल्लाहु आलम, असल बात क्या है। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो मदीना में पैदा होने वाली बात है ना, वो एक आजमाइश भी बन गई है, चाहे किसी भी रास्ते से हुआ, क्योंकि लोग अभी तक मदीना और मक्का को बेहतर समझते हैं, जो कि है बेहतर बाकी दुनिया से, लेकिन वहाँ के लोगों को भी बेहतर समझते हैं, और वहाँ के जो सो कॉल्ड दीन का झंडा लेकर खड़े हुए हैं, दीन का नाम इस्तेमाल करें, उनको नौजुबिल्ला पूजने की हद तक चले जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान भी सही, वहाँ के लोग भी सही, वहाँ का सब सही, चाहे वो गुनाह करें, चाहे वो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में मंदिर बनवा दें, चाहे वहाँ पे कंसर्ट करवाना शुरू कर दें, चाहे वहाँ पर देखें ना, वहाँ पे उन्होंने बादशाहत का निज़ाम कर दिया है जो कि कुफर है, शिर्क है, तो फिर भी लोग उन्हीं को पूज रहे होते हैं। तो ये एक आजमाइश भी बन गई है कि नेचुरली लोगों के जहन में ये बना हुआ है कि ये कैसे हो सकता है कि इमाम मेहदी मक्का पाकिस्तान में पैदा हूँ, जैसे कि बनी इसराइल के जहन में बना हुआ था ये कैसे हो सकता है कि वो बुतों की सरजमीन में रसूलुल्लाह पैदा हो जाए, आखिरी नबी पैदा हो जाए, वो सोच ही नहीं सकते थे, बुतों की सरजमीन थी भाई, इम्पॉसिबल था सोचना उनके लिए, इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था। और ये करना कि भाई वो बनी इसराइल में ना पैदा हो, बनी इसराइल के अगर आप थॉट से आगाह हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि हमारे अलावा किसी और को अल्लाह सेलेक्ट कर सकता है, वो इतने ज़्यादा प्राइड में थे। समझ आती है, उसका भी यही था कि जब वो सरदारों ने कहा कि, लेकिन वो फिर भी बनी इसराइल में सही थे ना। तो ये सारे वाकया, तालूत अलैहिस्सलाम वाला, दाऊद अलैहिस्सलाम वाला, सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला वाकया, ईसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया, इन सारे वाकयात ने उनके तकब्बर को, प्राइड को मजीद बढ़ा दिया था कि वो फाइनली बिल्कुल ही नहीं सोच सकते थे कि आखिरी नबी जो है वो हमारे अलावा किसी में आ सकते हैं। वो ले दे के किसी को हकीर भी समझते थे ना, अपने में से भी हकीर समझते थे, तो वो होता फिर भी उन्हीं में से था, फिर भी बनी इसराइल में से था, तो वो बिल्कुल उनके जहन से ही निकल गया था। हाँ, ये तो वो सोच सकते थे कि हम हकीर किसी को समझ रहे हैं तो हो सकता है वो नबी हो जाए, हम किसी को हकीर समझ रहे हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला इसको मुकाम देते, इतना तो वो सोच सकते थे, लेकिन ये फिर भी नहीं वो सोच सकते थे कि हमारे अलावा किसी से होंगे। तो यही हाल अरबों का भी है कि अरब ये सोच ही नहीं सकते कि वो पाकिस्तान से इमाम मेहदी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली ये उसकी स्टोरी है। इसका भी पता चलता है, और ये वैसे भी हाँ, ये अल्लाह की मतलब वो आजमाइश का पता चलता है कि अल्लाह ऐसे आजमाता है अपने बंदे को या कौम बनी। हाँ, ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी ऐसे ही आजमाया। तो इसका मतलब अभी अरबों का भी इसी तरह वो उनकी आजमाइश होनी है कि जब नॉन अरब मतलब कंट्री में से इमाम मेहदी ने अगर आना है तो फिर वो उनके लिए एक आजमाइश होगी कि वो उनको तस्लीम करें। हाँ, और वो मतलब कहें कि हम वैसे अगर ये नहीं है तो वो अल्लाह की, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर हमें इनको मानना है। तो वैसे ये जो भी आपने बताया कि उनका ड्रीम में एक वो कंपटीशन टाइप था उसके उसके साथ ना, जो अब्दुलरहमान था, तो वो जो सारा कंपटीशन था वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी था या सिर्फ ड्रीम्स के अंदर ही था कि अगर अल्लाह ने कोई एक काम दिया उनको? हाँ, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में करना पड़ेगा या प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब वो तो अभी तक हो रहा है ना कि कासिम अपने दिल से कीना बुग़्ज़ निकाल दो, कासिम मतलब मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला सिखाता रहता है ना उनको शिर्क से बचने की कोशिश। अभी पिछले दिन उनको एक ड्रीम आया कि कासिम जब तक तुम शिर्क और उसकी इकसाम से ख़ुद को नहीं बचाओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो ये तो चलता रहता है, तो वो उसमें फॉल शॉर्ट होते रहते हैं, जो कि लोग भी कह रहे होते हैं कि जी तुम अगर नौज़ुबिल्लाह ऐसे बदतमीज़ी करते हो, तुम्हारे ये मसला है, तुम यूँ नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो इसलाह तो अभी उनकी मुकम्मल नहीं हुई, तो शॉर्ट कमिंग्स अभी उनमें हैं। तो ऑब्वियसली वो ड्रीम्स में जो चीज़ें अल्लाह ताला सिखा रहा होता था वो कोशिश तो करते थे रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में उस तरह अचीव नहीं कर पा रहे थे, जो कि अभी तक वो नहीं कर पा रहे फ्रेंकली। बहुत चीज़ें उनमें बहुत अच्छी हैं, जैसे आजी और ह्यूमिलिटी से मिलना, खुश अखलाकी से मिलना,
लेकिन शॉर्ट कमिंग्स भी हैं उस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा वो पाबंद नहीं है दीनी चीज़ों के जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो लेकिन वो अल्लाह ताला उनकी इस्लाह कर देगा। तो वो रियल लाइफ में भी था लेकिन वो उसमें अभी तक नहीं हो रहा, वो जब एक रात में अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमाएगा फिर वो हो जाएगा। ये आप कौन है? दज्जाल ने तकब्बुर किया ना, शैतान ने क्या किया था? तकब्बुर किया था कि मैं इससे बेहतर हूँ, बेहतर होने का तकब्बुर किया था। तो दज्जाल ने क्या किया? उसने भी तकब्बुर किया, हंसा मजाक उड़ाया, खुद को बेहतर जाना। नहीं, लेकिन अल्लाह ने वो शैतान को कहा था ना कि इनको वो सजदा करो, तो तब उसने वो किया था वो तकब्बुर। लेकिन वो दज्जाल को तो पहले नहीं कहा था कि मैं इसको बना दिया, जब उसने उनका मतलब नहीं, वो तो ज़रूरी तो नहीं है ना, अब एक एक चीज़ ही बिल्कुल मैच हो। सिंपल सी बात है, इब्लीस ने भी तकब्बुर किया था, अल्लाह ताला ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसने भी तकब्बुर किया, मजाक उड़ाया, दूसरे उनसे बेहतर समझा। जब मजाक उड़ा दिया, अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा आप क्या डिटेल, अल्लाह बेहतर जानते हैं। ऐसे कासिम भाई के ड्रीम में तो उसका नाम आया है, मतलब अब्दुलरहमान, तो इसका मतलब है वो किसी मुसलमान घराने में पैदा होगा, मुसलमान होगा। हाँ, तो उनको ये भी आया कि वो मुसलमान पैदा हुआ, और मतलब ये भी आया कि अरब में पैदा हुआ है, वल्लाहु आलम मदीना में हुआ है, कहाँ हुआ है, लेकिन तो इसका मतलब है कोई वो दीन ऑब्वियसली। अभी मैंने ये डिस्कस किया ना कि जब अल्लाह ताला उससे राज़ी हो गया, सारी तवज्जो उसकी तरफ दे रहा है, इससे ज़्यादा और क्या नेक हो सकता है? दुनिया में सारा प्रोसेस होना है, फिर उसके बाद जब नहीं वो हो रहा है, साथ साथ हो चुका है। देखिए ना, दज्जाल का क्या है कि वो पहले, हाँ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि दज्जाल के बारे में हमें रवायात में मिलता है कि वो आएगा, कुछ वीक रवायात में, कि पहले वो आकर इमाम मेहदी का दावा करेगा, फिर वो नबूवत का दावा करेगा, फिर वो खुदाई का दावा करेगा। लेकिन वो दूसरी रवायत में जो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रवायात हैं, उनमें हमें ये मिलता है, लगा तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रवायात में हमें ये मिलता है कि वो किसी बात पे बरहम होकर अचानक खुरूज कर देगा। तो जब अचानक खुरूज कर देगा तो वो ये तो नहीं कहेगा कि पहले मुझे इमाम मेहदी मानो, वो तो खुदाई का दावा कर देगा ना, तभी तो वो अचानक खुरूज करेगा। और वो उसने सिर्फ 40 दिन रहना है, तो 40 दिन में ये सारा कुछ कैसे होगा कि पहले इमाम मेहदी कह रहा है, तो मतलब घंटों के हिसाब से करेगा, दिनों के हिसाब से करेगा, कैसे करेगा? तो समझ में यही आता है कि वो अचानक खुरूज करेगा, और अचानक खुरूज करेगा तो वो खुदाई का दावा करेगा, तो वो बाकी स्टेप्स कब होंगे? वो जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है ना, वो कैसे होगा कि वो पहले इमाम मेहदी का दावा करेगा, फिर वो नबूवत का दावा करेगा, फिर वो खुरूज करेगा? खुरूज अचानक करेगा, और जब क्योंकि 40 दिन टोटल उसके पास होंगे, तो उसी खुरूज में फिर उसने वो खुदाई का दावा कर देना है। तो जो पहले वाले स्टेप्स होंगे ना, वो समवट हिडन होंगे। अब वो कैसे, वो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे बात समझ में आई है। कि मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उनका नाम भी मुझे याद है और उनका नंबर भी मेरे पास है, शहर भी है पाकिस्तानी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो मोहम्मद कासिम को इमाम मेहदी कह रहे हैं ना, वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इमाम मेहदी कौन है। और उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं मदीना में रहता था, और वहाँ मदीना में कुछ टाइम भी उन्होंने बताया, डेट भी बताई, टाइम तो डेट शायद ईयर बताया होगा। तो उस वक्त में मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम मेहदी जो हैं वो, मतलब मफहूम मुझे याद है, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए, कि वो पैदा हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि टीन एज है, और मैंने मस्जिद नबी में या मदीना में किसी जगह पर उनको ख्वाब में देखा, कुछ इस तरह से उन्होंने मुझे बताया। और ये एक से ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है, और कमेंट्स भी जो लोग कर रहे होते हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं, हम बताते हैं कुछ लोग कहाँ है, फलां जगह है, मदीना में है, उस वक्त एज इतनी है, इतने साल पहले वो टीन एज था, अब वो 20s में है। तो ये हमारी रफ समवट कैलकुलेशन भी यही है, अप्रॉक्सीमेट कि वो इस वक्त 20s में होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अब क्या है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने, देखें ख्वाब तो वो सच्चा है ना जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, ख्वाब तो वो सच्चा है ना जिसमें अल्लाह ताला कलाम फरमाए, ख्वाब तो वो सच्चा है ना
कि जो अल्लाह ताला जिन लोगों को रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराए उनके बाकी ख्वाबों को भी सच्चे कराए, उनके बाकी ख्वाबों पे भी आप समवट बेहतर बिलीव कर सकते हैं ना। तो वो ख्वाब अब कंपटीशन में आ गया ना। एक ख्वाब वो आ रहा है कि बंदा कह रहा है मैं मदीना में था और मदीना में मैंने इमाम मेहदी को देखा, और एक ख्वाब वो है जो मदीना में नहीं था बंदा लेकिन उसने देखा कि इमाम मेहदी जो हैं वो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम में पाकिस्तान से हैं, और उन लोगों को रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी हुई है जिन लोगों ने ये देखा। तो आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? और फिर अहादीस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जिस जो ख्वाब या जिन लोगों के ख्वाबों में रसूलुल्लाह हैं तो उनको आप वो करेंगे ना ज़्यादा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर ये डेवलप हुई है कि दज्जाल अपनी तरफ से वो इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है अभी तक, और कुछ लोगों के ख्वाबों में आके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमाम मेहदी को भी ख्वाबों के ज़रिए से इस्टेब्लिश करना है, तो कुछ लोगों के ख्वाबों में आके ख़ुद को बता रहा है कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरी ये एज है, ये मेरी शक्ल है। तो ऐसे ऐसे लोगों को वो, तो वो इस तरह से इमाम मेहदी का दावा कर चुका है, और इमाम मेहदी का दावा तो नहीं होता, दावा जो कर दे वो इमाम मेहदी नहीं है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में इमाम मेहदी का दावा कर चुका है, और कई लोग जो हैं वो उस इमाम मेहदी को देख रहे हैं जो दरअसल दज्जाल होगा, क्योंकि वो पहले इमाम मेहदी का दावा करेगा। अच्छा, फिर यही नबूवत का भी मामला है कि अब जूं कासिम भाई को ताला आगे लेके जा रहा है, और जैसे रवायात से हमें पता चलता है कि पहले मशरिक़ की सरजमीन में खिलाफत कायम होगी, पाकिस्तान में इंशाल्लाह खिलाफत आएगी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि वो फिर इमाम मेहदी को अल्लाह ताला यहाँ पे खिलाफत अता फरमाए, हुकूमत अता फरमाए, तो वो हो सकता है लोगों को उकसाए, उनके वसवसे डाले, उनके ख्वाबों में नबूवत का झूठा दावा करे, या इस तरह लोग ये कहें कि नहीं जी खिलाफत तो वो सही नहीं है जी, फलां जगह मदीना में यहाँ पे तो नबी आ गया है, या नऊज़ु बिल्लाह इस तरह की चीज़ें हो जाएं। तो वो जो स्टोरी है ना वो समवट हिडन है कि वो लोगों के दिनों में वसवसे डाल के लोगों को झूठे शैतानी दज्जाली ख्वाब दिखा दिखा के वो अपनी स्टोरी चला रहा है, लेकिन जब वो उसका खुरूज होगा तो वो फिर अचानक खुदाई का दावा करके खुरूज करे। इसमें मेरा ओपिनियन भी है, क्वेश्चन भी है वैसे, वो ये इस तरह है कि जब यानी हमारे मुसलमानों में भी तो एक ग्रोह है जो कि जो जिनका कंसेप्ट है इमाम मेहदी के मुतलिक, बेसिकली वो दज्जाल का कंसेप्ट जाके बनता है, ठीक है। तो जब इसी तरह कासिम भाई का ड्रीम भी है कि जब पूरी दुनिया में अमन फैल जाता है और मुसलमानों की हुकूमत आ जाती है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो जो यानी जो ये ईसाई या यहूदी होते हैं, तो ये इस मामले में रहते हैं कि कभी हमारा मसीह आएगा तो हम उसका साथ देंगे, जब वो आएगा तो हम उसके साथ हो जाएंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट भी हो सकता है ना कि जब दज्जाल बाहर निकलेगा तो मुसलमानों में से वो लोग जो कि कहते हैं कि इमाम मेहदी गार में है, वो उस दज्जाल को कह देंगे कि ये इमाम मेहदी है, और जो ईसाई होंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में होंगे तो वो कहेंगे कि ये वही नबी है जो वापस आ जाएंगे, और यहूदी कह देंगे कि ये हमारा वो खुदा है जो वापस आ जाएंगे। ये भी कंसेप्ट हो सकता है। हाँ, ये तो ऐसे ही है ना, ये तो जब वो आ जाएगा तो फिर तो ऐसे ही होगा ना कि वो इस हवाले से यानी मेहदी वाला। हाँ, फिर तो ऐसे ही होगा। यानी लोग जो नहीं, वो तो फिर सीधा सीधा खुदाई का दावा करेगा ना, वो उस वक्त तो कह रहा होगा कि मैं खुदा हूँ, तो वो जो उनको मान लेंगे वो उसको खुदा ही मानेंगे। लेकिन ये आपकी बात हो सकती है कि जो लोग ऐसी चीज़ कह रहे हैं कि गार में है, या जैसा हालांकि हदीसों में ऐसी चीज़ नहीं है, दज्जाल के बारे में है कि गार में मिला, वो जैसे हज़रत तमीम अद्दारी की रवायत में है ना कि वो एक जगह जजीरे पे मिला और इस तरह बिल्डिंग थी या गार था गालबन के, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, उसमें मिला, तो वो दज्जाल के साइंस हैं। तो मतलब उनमें से जो लोग तो इमाम मेहदी को मान लेंगे और उनके हाथ पे बैत करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देगा कि वो, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो आखिर तक हक पे रहें और हक पे इस दुनिया से जाएं। लेकिन जो दिलों में फिर भी रख के बैठे हों, बुग्ज रख के बैठे हों, तो ज़ाहिर है फिर 7-8 साल उन्होंने इंतज़ार करना, तो उसके बाद दज्जाल आ जाएगा, तो फिर वो दज्जाल का साथ दे देंगे, तो बात की बात। तो इसमें वैसे भी एक और क्वेश्चन कि वो जो आपने मदीना मुनव्वरा वाली बात की, तो दज्जाल के मुतलिक तो हदीस पाक में मिलता है कि वो यानी मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़ों पे जाएगा तो वो अंदर नहीं दाखिल हो सकेगा। तो अगर वो पैदा ही मदीना मुनव्वरा में
या फिर हिजाज कहना बेहतर है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि वो मदीना में पैदा हुए, अरब में पैदा हुआ है, इतना मुझे अंदाज़ा है। वल्लाहु आलम के मदीना में पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, लेकिन चलो अगर कहीं भी पैदा हुआ हो तो वो फिर ये तो नहीं कि अल्लाह ताला चाहे तो निकाल दे वहाँ से, बेदखल कर दे। ये मुझे नहीं पता कि वो मदीना में पैदा हुआ है, कहाँ हुआ है। जहाँ तक मुझे कासिम भाई से बात हुई थी, डिस्कस हुआ था कि वो अरब में। आप शायद ड्रीम में बता रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि उसने ड्रीम में देखा है कि वो मदीना के आसपास, ड्रीम में आपने कहा था कि वो मदीना। हाँ, वो उस बंदे ने मुझे यही कहा कि मदीना में है, इतना मुझे कहा। पैदा का मुझे सही याद नहीं है उस बंदे ने क्या बताया, लेकिन ये एक से ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वैसे भी जिनको वो कासिम भाई आते हैं ड्रीम में ना, उनको तो वल्लाह ही वो दिखाता है ना कि ये इमाम मेहदी होंगे और ये सारी चीज़ें। तो भी आपने जिसने बताया कि वो एक सारे लोगों को इस तरह है कि वो मदीना में है, और उस मतलब जो दज्जाल है वो उनको एज़ इमाम मेहदी है ना ड्रीम में, तो वो ड्रीम उसके पास इतनी वो ताकत है उसके पास कि वो आके ड्रीम में आके लोगों को एज़ इमाम मेहदी शो करता है ख़ुद को, या वो शैतान ने उसकी इतनी हेल्प की हुई है कि वो किस तरह से लोगों को उनके ड्रीम में आ जाता है वो, तो ये उसकी अति पावर उसके पास कहाँ से आई है इतनी पावर कि वो ड्रीम तक पहुँच जाए? तो पावर तो देखें ना, दज्जाल को जब अल्लाह ताला ने इतनी ढील देनी है कि वो खुदाई का दावा कर देगा और वो शब्द दिखाने के लिए भी मतलब रेडी हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला ढील है, ये ताकत तो नहीं है, ढील है। तो ये तो जादू वगैरह से भी लोग एक्सेस कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें जादूगर भी कर लेते हैं। वो हमारी फैमिली में कुछ लोग थे, वो कहते थे जी फलां के पास जाएँ तो वो बड़ा अच्छा इलाज करता है, और फलां करता है रूहानी इलाज, तो वो ख्वाब में आएगा तो फिर इलाज होगा। तो वो फिर वो ख्वाब में आता भी था, तो वो जादूगर ऐसे करते हैं, वो शैतान की तरफ से चीज़ें होती हैं, या जादूगर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ख्वाब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है कि जिसमें कोई आए, कासिम भाई आए, ख्वाब वो ट्रस्टवर्दी है कि जिसमें रसूलल्लाह आए, और ख्वाब वो ट्रस्टवर्दी है कि जो इस्तखारे के बाद आए, और ख्वाब वो ट्रस्टवर्दी है कि जिसका रिज़्क हलाल हो, कबायर से बचता हो, या कबायर अल्लाह ना करे किसी से हो भी जाए तो वह इस्तग़फ़ार करने वाला हो। तो ख्वाब वो ट्रस्टवर्दी है कि जो रात में तीन कुल पढ़ के सोने की जिसको आदत हो, ठीक है। तो ख्वाब तो वरना शैतान भी दिखाता है, ये तो इसमें सिर्फ ख्वाब, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ख्वाब हुज्जत नहीं है, सच कहते हैं, ख्वाब हुज्जत नहीं है, ख्वाब इशारा है, ख्वाब सिग्नल है, ख्वाब डायरेक्शन है, हुज्जत नहीं है, हुक्म उसमें शरीयत का हुक्म नहीं आ सकता, ठीक है। तो लेकिन ख्वाब इशारा ज़रूर है, और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए वो ख्वाब जो है वो बिल्कुल सच्चा होता है, और उसमें अगर कोई इशारा हो जाए, देखें ना हदीस तो है ना कि इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करनी है, तो ख्वाब से इशारा तो मिल सकता है कि इमाम मेहदी कौन होंगे, वो हुज्जत नहीं हो जाएगी फिर भी। लेकिन जिसको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इशारा दे दिया, कोई हुक्म दे दिया, उसके लिए तो हुज्जत होगी, बाकियों के लिए नहीं होगी। तो इसलिए हम वो कहते हैं कि वो इस्तखारा करें लोग, अल्लाह ताला से खुद दुआ करें, अल्लाह ताला आपको खुद गाइड कर देगा। तो मेरा ख्वाब आपके लिए हुज्जत नहीं है, मेरा ख्वाब आपके लिए हुक्म नहीं है, इवन कासिम भाई का ख्वाब भी आपके लिए हुक्म नहीं है। हाँ, ये साबित हो जाए कि ये इमाम मेहदी हैं, फिर उनका ख्वाब भी या उनका हुक्म ही हुक्म होगा, चाहे वो ख्वाब के कॉन्टेक्स्ट में बताएँ चाहे वो खुद बताएँ, क्योंकि इमाम मेहदी की जो इताअत है वो फ़र्ज़ है। वैसे भी वो कासिम भाई का जो ये पीछे इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर सुबैयल ने किया था, तो उसमें भी उन्होंने सवाल किया था ना कि आप कभी दावा तो नहीं करेंगे इमाम मेहदी होने का, क्योंकि इससे पहले दावे होते रहे, तो आप हमें श्योरिटी दें कि आप दावा नहीं करेंगे। तो उसका जवाब दिया था कासिम भाई ने कि अल्लाह ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों में कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मैं कभी जो है ना वो दावा तो बड़ी दूर की बात है, मैं कभी बड़ी बात भी नहीं करूँगा। तो वो अच्छी बातें मतलब क्या दावा ना करने के वाले से हो सकती हैं? वो तो उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वेबसाइट पे भी मौजूद है मोहम्मद कासिम पीके पे, कि अच्छा मुसलमान कैसे बना जाए, और उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो वो उसमें सारा बताया हुआ है कि इखलाक से बात करना है, ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलना, शिर्क से बचना है, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो एक अच्छे मुसलमान से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, और वो ज़्यादातर इखलाक और किरदार से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके मामलात हैं, जो आपके लेन देन है, जो आपके दूसरों के साथ बर्ताव है, वो सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक दूसरा बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा ना, तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा।
लेकिन अगर आपके कोई ज़ाती इबादात में कमी रह गई, गुनाह की नहीं बात कर रहा, ज़ाती इबादात में कोई कमी रह गई, तो अल्लाह कादिर है कि वो माफ़ कर दे। ऑल दो मतलब जैसे नमाज है और इस तरह के ज़ाती चीज़ें हैं वो तो मतलब अगर कोई वो छोड़ता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी वो अगर इनफरादी वो है तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है। इसलिए ज़्यादा फोकस जो कासिम भाई की ड्रीम में किया गया वो इखलाकियात के ऊपर किया गया, मामलात के ऊपर किया गया, लेकिन शिर्क सबसे ऊपर है। शिर्क ऑल दो ज़ाती चीज़ है लेकिन वो अल्लाह ताला के हक को गसब करने वाली बात है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो सबसे पहले शिर्क है और उसके बाद बाकी। और कासिम भाई की ड्रीम में जो दिखाया गया है और जो कि हमें दीन से भी अहदीस से भी पता चलता है, कुरान से भी पता चलता है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो होमोसेक्सुअलिटी है, अमले को मेलूत है, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो वो आप पूरी उसमें देख लें, पूरा तफसील से बताया हुआ है, वेबसाइट पे भी उनकी मौजूद है, मौजूद है ना? हाँ, वेबसाइट पे भी तफसील से मौजूद है कि अच्छा मुसलमान कैसे बना जाए। अच्छा, mohammadkasimpk.com पे। तो दूसरा वैस भी ये कि अभी जैसे रिसेंटली मैंने सुना है काफ़ी सारे जो हैं वो स्कॉलर जो हैं वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने कासिम भाई के ड्रीम्स के बारे में बात की है, जैसे अब राजा ज़ियाउल हक हैं और यासिर कादी साहब हैं, एक दो और हैं, तो उन्होंने, मैंने ये एक चीज़ नोट की है कि वो सारे सेम बात कर रहे हैं, मतलब उनका जो बात का वो है ना पैटर्न वो सेम है, कि वो ये बात कर रहे हैं कि मतलब ड्रीम्स को वो अहमियत नहीं दे रहे, और वो ये बात कर रहे हैं कि इमाम महदी जो हैं उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, वो मदीना से होंगे। हालांकि हदीस में, अब मैं सोचने की बात यह, मैं ये सोचता हूँ एज आ एक आम मुस्लिम कि अब हमने जो हदीस पढ़ी, अल्लाह ने तौफीक दी, तो वो स्कॉलर हो के मतलब अब मुबशरात वाली हदीस है, सही बुखारी की हदीस है वो, ठीक है कि जब नबूत ख़त्म होगी तो मेरी वो आपने, सॉरी मैं बात आपकी समझ गया इसलिए मैं आंसर पर आता हूँ। वो आपने सुना होगा ना मरियम नवाज़ का व्हाट्सएप ग्रुप, अक्सर मीम्स चलती है, कभी कभी स्क्रीनशॉट्स भी आ जाते हैं, तो वो कब आते हैं जब ना सारे मीडिया वाले सब एक ही बात कर रहे होते हैं, कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहा होगा या किसी फौज के ख़िलाफ़ जो भी हो रहा होगा, तो वो चलता है कि ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप जर्नलिस्ट से बात चली है। तो वैसे मैंने कभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, होता होगा अल्लाह आलम कि उधर से कोई डिक्टेशन आती होगी, कोई ख़ास पार्टी एक डायरेक्शन देती होगी, तो फिर अपना वो सब जर्नलिस्ट और सब लोग उस पर लग जाते होंगे, तो कभी मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे महसूस हुआ है कुछ, सबसे पहले जो बात की है ना पब्लिक में आके सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ में से, वो की है राजा ज़ियाउल हक ने 16 जुलाई को गालबन, राजा ज़ियाउल हक ने यूथ क्लब वाले। अच्छा, ये जो राजा ज़ियाउल हक के यूथ क्लब हैं ये एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। उसके बाद जिस बंदे ने बात की है 17 जुलाई को, वो की है मुफ्ती मैंक ने, ये भी सेलिब्रिटी एक स्कॉलर हैं, फेमस हैं इंटरनेशनली, ये भी उसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। उसके बाद जिस बंदे ने बात की है वो यासिर काजी ने बात की है, ऑल दो यासिर काजी ने पब्लिकली कहा है कि मैं नहीं हूँ, मैं स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ, लेकिन दोनों में एक बात आपको कॉमन नज़र आएगी कि जो यासिर काजी हैं और मुफ्ती मैंक ये एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो पब्लिकली ये जो मेन जो सेलिब्रिटी लोग हैं ना, फेमस लोग हैं, उनमें से ये तीन लोगों ने की है, और तीनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि फॉर सम रीज़न इनके नसीब में ये बात आई है, ये बदनसीबी इन्होंने अपने लिए लिखी है, ली है, या फिर इनको कोई डिक्टेशन आई है, और वो एक ही डिक्टेशन, यूनिवर्सिटी भी उनकी वहीं पे, और प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है कि भाई हम क्यों नहीं है जैसे बनी इसराइल को थी, और लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान में कि ये या रसूलल्लाह आपको ऐसे जानते हैं कि जैसे अपने बेटों को जानते हैं बनी इसराइल वाले, कि आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। यही हाल अरब वालों का भी है कि जब इमाम मेहदी ने आना है ना, जो कि अब रिकग्नाइज होना शुरू हो गए मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम, उनको फ़ौरन सबसे पहले समझ आनी है कि ये तो वही हैं। उन्हें एतराज़ ये होना है कि हम में से क्यों नहीं आए, यहाँ से क्यों नहीं आए, और या हमारी जो किंगडम है वो क्यों डिस्टर्ब होने के चांसेस है, या इवन वो वहाँ से भी आ जाते ना तो भी उनको प्रॉब्लम होती, सर कलम करवा देते कि ये कोई बादशाह क्यों नहीं, हमारा बादशाह ही क्यों नहीं वो बना।
तो ये डिक्टेशन वल्लाह वालम, मैं किसी पे वो नहीं कर रहा अंदर खाते क्या चल रहा है, लेकिन ये इतफाकन नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मरियम नवाज़ का व्हाट्सएप ग्रुप वाली सिचुएशन है, लेकिन कोई अल्लाह ने शायद इनके नसीब में ही ऐसे रखा है। अल्लाह ताला हम सब की नीयतें ठीक करे। बाज़ औक़ात इंसान की नीयतों में कोई ऐसा खोट होता है ना कि ये ऐसी बदनसीबी आ जाती है कि इन्होंने, और मतलब झूठ तीनों के, वो आपके बात के सेम बयानियाँ, ख्वाबों वाली बात को रिजेक्ट करना और ये झूठा इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया है, ये कहना, और फिर ये इस तरह का बयानिया, इस तरह का इंप्रेशन देना कि उन्हें सोशल मीडिया और मॉडर्न लाइफस्टाइल, यानी लोगों के जहन में एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा डाल दो, लोगों के जहन में एक ऐसा इंप्रेशन बना दो कि वो लोग इमाम मेहदी को बस कबायली इलाकों में जा कर ढूँढें, और कहीं वो जो रियल इमाम मेहदी जो अल्लाह ताला ने लेकर आने हैं, ले आया है अल्लाह ताला और सामने आकर उनकी बैत का वक्त करीब आने वाला है, तो वो कहीं लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, बस लोगों के जहन में वही इंप्रेशन पड़ता रहे कि बस कबायली इलाकों से ही आ सकते हैं और कोई ऊँट वो घोड़े पे ही आना है, उनको कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नाउ हाउ नहीं होगा, वो एक एक प्रोपेगेंडा टाइप की सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रही है। वल्लाहु आलम क्या असल बात है। अब नहीं कर रहा हाँ, और वो मुफ्ती मैंग ने कोई इस तरह यही कहा है ना, क्लीन शेव, टोटली क्लीन शेव और इस तरह की बातें, हालांकि ख़ुद ये लोग मानते हैं कि इमाम मेहदी की इस्लाह होने वाली है। तो आप तो वो कह रहे हैं कि वो एक राइटियस शख्स होंगे यासिर कादी, और जो राजा ज़ियाउल्लाह ने जो हदीस बयान की है, मतलब वो तीन बेटों वाली जो लड़ाई वाली, हाँ वो आधी, हाँ पूरी हदीस बयान करें ना कि आया तो सो दे बिलल मशरक, इमाम मेहदी ने तो मशरक से आना है। हाँ तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हदीस भी मतलब, या हाँ, तो अल्लाह ताला कुरान में, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि तुम, हाँ कि तुम लोग जो है वो हक को बातिल में मिक्स ना किया करो, और साथ में ये भी फरमाया कि तुम लोग हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो हक को, तो यही हाल। मैं तो जब कभी मैं उनसे मिला ना राजा ज़ियाउल्लाह साहब से, तो मैं तो उनसे पूछूंगा कि आपने ये हदीस आदि क्यों बयान की है। आप मिले ऐसे उनसे जरूर। सवाल तो बनता है, या तो आप वो हदीस ही ना बयान करो अगर आपका नैरेटिव वो नहीं है या आप नहीं मान रहे, लेकिन आप आधी बात, ये तो गलत बात है ना, हदीस आधी बयान, ये तो मुनाफ़क़त है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो आप कहने कोई सवाल करना था शहादत वाला है। अच्छा रमेश भाई, ये कासिम भाई से उस दिन जब पहली दफ़ा, यानी जब ये दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई है, तो उनके घर पे जो क्वेश्चंस वगैरह किए थे ना, तो बिल्कुल एंड तक क़यामत के मुतलिक तक जब क्वेश्चंस किए, तो उसमें उन्होंने यानी सारा कुछ जिक्र किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनकी वफ़ात का सारा कुछ, तो उन्होंने अपना वो नहीं बताया क्योंकि सारा डिटेल के साथ, लेकिन वो अपनी जब कासिम भाई की यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे होगी, उनको कौन शहीद करेगा, या उसके बाद भी कोई खलीफा आएगा दुनिया में, या क्या, यानी फ्राइडे लेक्चर है कल, हमने इसमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर वफ़ात कैसे होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे वफ़ात होगी, सारा मामला होगा। लेकिन इमाम मेहदी की वफ़ात और शहादत वाला शायद मैंने उसमें भी नहीं करना था, लेकिन ये कि चलें आपने छेड़ी है बात तो बरसवील तज़करा। कुछ वीक रवायात में हमें ये मिलता है कि इमाम मेहदी की वफ़ात होगी, लोग उनका जनाजा पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक हदीस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो कासिम भाई को ड्रीम्स में दिखाया गया वो इस तरह से है कि वो जो है ना बाकी मुसलमानों के बाद ज़िंदा रहते हैं, और बाकी मुसलमानों का हमें हदीस से पता है, वही उनको ख्वाब में भी दिखाया गया है कि इमाम महदी का दौर जब 7 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद दज्जाल खुरूज करता है, फिर दज्जाल से मुसलमानों की जंग होती है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाते हैं, फिर दज्जाल को कत्ल किया जाता है, फिर दज्जाल जब कत्ल हो जाता है तो जितने लोगों ने दज्जाल को फॉलो किया होता है
अब वो उन्हें पता होता है कि हमारा तो जिसको हम खुदा मानते थे वो झूठा निकला, वो तो मर गया, मुर्दार हो गया, जहन्नुम वासिल हो गया। तो अब वो तौबा करना चाहेंगे, लेकिन जैसे हदीस में है कि जब दज्जाल निकल आया या सूरज मगरिब से निकल आया या यजूज मजूज आ गए, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। तो वही होता है, अल्लाह ताला फिर तौबा का दरवाज़ा तो बंद हो चुका होता है, अल्लाह ताला फिर उनकी तौबा कबूल करने से इनकार कर देता है। अब जो तो इमाम मेहदी के साथी होते हैं, अहले हक होते हैं अल्लाह ताला के साथ, जिनको शरीक अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी होती है कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, उनको तो अल्लाह ताला एक ख़ास मुकाम पर पनाह दे देता है। लेकिन बाकी जो इंसान होते हैं जिन्होंने दज्जाल को खुदा माना होता है, उनके ऊपर अल्लाह ताला याजूज माजूज को खोल देता है और याजूज माजूज उनको मारते हैं, भस्म करके, भस्म तो वर्ड सही नहीं है, कुचल के रख देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से याजूज माजूज एक बीमारी से या जैसे भी है वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे हमें रवायात में मिलता है हदीस में, ये अब मुझे नहीं पता उनकी ड्रीम्स में क्या है कासिम भाई के, लेकिन बहरहाल याजूज माजूज ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर आते हैं एक पहाड़ी इलाके से, रवायात में हमें ये मिलता है कि वो कोहे तूर की तरफ जाते हैं, तो कोहे तूर से फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर जाके मदीना में रहने लग जाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी और उनके साथी। रवायात में हमें ये मिलता है कि उसके बाद एक ठंडी हवा चलती है जिससे मुसलमान सारे फोत हो जाते हैं। ठीक, कासिम भाई ने ऐसे देखा है कि कोई बीमारी या नज़ला टाइप या फ्लू टाइप कोई लाइट सी चीज़ होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में ये कैसे जो मैं समझाऊँ कि वायरल इन्फेक्शन टाइप कोई चीज़ वल्लाहु आलम, तो उससे ना मुसलमान फोत होने लग जाते हैं, उससे सिर्फ मुसलमान फोत होते हैं। अब वो वैसे तो इंसान समझता होगा कि कोई डिफरेंट सी चीज़ होगी कि मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं, असल में उस टाइम मुसलमान सब एक जगह पे होंगे, बाकी सारी ज़मीन में फैले कहीं कहीं कुफार बच गए होते हैं, कितने होते हैं कहाँ होते हैं ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मुसलमान सब एक ही जगह पे होते हैं हज़रत ईसा और इमाम मेहदी के साथ होते हैं और वो मदीना में होते हैं, बाकी सारी ज़मीन में कुफार होते हैं, यानी बिल्कुल ही इंतहाई गलीज़ लोग होते हैं। हदीस में आता है कि ऐसे लोग होंगे कि जो गधों की तरह सरेआम एक दूसरे से मुबाशरत करेंगे और जो अल्लाह का नाम भी नहीं लेना जानते होंगे, इस तरह के लोग होंगे। तो अब यहाँ पर जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ वो जैसे रवायात में आता है नरम हवा, और जो कासिम भाई को दिखाया गया कि उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म कोई बीमारी टाइप कोई वायरल टाइप की चीज़ वल्लाहु आलम, तो उससे तो इस तरह इस कदर होता है कि एक मुसलमान को दफना के वापस आ रहे होते हैं मुसलमान, तो आगे एक और फौत हुआ होता है, फिर एक और को अगले को दफना के आते हैं तो एक और फौत होता है, तो उसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना भी वफात पा जाते हैं। तो हत्ता के सारे मुसलमान फौत हो जाते हैं और आखिरी मुसलमान को भी इमाम मेहदी दफनाते हैं, मर्द ख्वातीन बच्चे बूढ़े सब फोत हो जाते हैं, सिर्फ इमाम मेहदी रह जाते हैं। अब वो बिल्कुल अकेले होते हैं मदीना में। तो अब क्या होता है, अब ये बड़ी सीक्रेट बात है, पता नहीं लोग क्या क्या फतवे लगाएंगे, लेकिन चलें। अब ये होता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह देखे ना, अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, कुन फयकून है, वाइज़ा अरादा शैइन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उसे किसी बॉक्स में बंद नहीं कर सकते कि वो ये काम कर सकता है ये नहीं कर सकता, वो जो चाहे करे। तो अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा, मैं इस चीज़ पर कादिर हूँ, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि शहीद ज़िंदा होता है मगर तुम नहीं जानते, फिर फरमाया कि वो रिस्क पाता है हमारी तरफ से, तुम्हें नहीं पता, और अफजल शुहदा कौन है, अम्बिया हैं, अम्बिया में भी अफजल शुहदा अफजल तरीन कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे दे कि वो वापस दुनिया में इजाज़त दे दे, मर्ज़ी उसकी ना, हमको नऊज़ुबिल्लाह को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते अल्लाह ताला के साथ कि आपने ये काम नहीं करना, उसकी मर्ज़ी, दुनिया क्लोज़ हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है, वैसे भी कुछ भी कर सकता है वो, तो उसमें तो अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट स्पेशल चीज़ भी करनी हो तो कर ले। तो उसमें फिर ऐसे होता है कि जो कासिम भाई ने ड्रीम्स में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से उनकी कब्र मुबारक खुलती है और रसूलुल्लाह ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, मैं अगर जाऊँ तो मैं तुम्हें वो बता भी सकता हूँ जगह, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अननोन है, लेकिन रसूलुल्लाह को ऐसे दिखाया गया तो इमाम मेहदी को भी अल्लाह की मर्ज़ी वैसे दिखा दे।
आप कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, वल्लाहु आलम सिंबॉलिक भी हो, लेकिन जो कासिम भाई को दिखाया गया या जो वो समझें वो ये समझते हैं कि ये सिंबॉलिक नहीं होगा, रियल होगा, फिज़िकली होगा। तो रसूलल्लाह वापस आ जाते हैं और फिर किसी घर में, हट में, किसी जगह में वल्लाहु आलम कासिम भाई और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लग जाते हैं, और यानी कि रसूल और उनका बेटा वो रहने लग जाते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में उस जगह में इबादत करते रहते हैं अल्लाह ताला की, लेकिन कासिम भाई दिन को जाते हैं और घूम फिर के सारी ज़मीन पर, इधर उधर, सारी ज़मीन पे तो नहीं घूम सकते, जहाँ तक उनको जा सकें, देखते हैं कि कोई इंसान मिल जाए जिसको मैं अल्लाह ताला की तरफ बुला सकूँ। तो वो तो मुसलमान तो सारे फौत हो चुके होते हैं और बाकी ज़मीन पर कुफार होते हैं, तो उस इलाके में कोई भी नहीं होता, कुफार नहीं, थोड़े बहुत स्कैटर्ड स्कार्स एंड स्कैटर्ड कुफार होते हैं बाकी ज़मीन पे भी। तो तो वो दिन को निकलते हैं कासिम भाई कि कोई इंसान मिले उसको अल्लाह ताला की तरफ बुलाऊं, ये मकसद है ना इमाम मेहदी का। तो वो इवन खिलाफत और क़याम और सब के बाद भी आखिरी काम भी वो यही करना चाहते हैं, इसी में दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। वो रोज़ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता, वापस आ जाते हैं, रोज़ जाते हैं कोई नहीं मिलता, वापस आ जाते हैं, रोज़ घूमते हैं वापस आ जाते हैं शाम को। और जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़े पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतज़ार में होते हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, जैसे एक शफीक बाप, एक शफीक माँ अपने बेटे के इंतज़ार में होती है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है, वल्लाहु आलम कितना अरसा गुजरता है, एक दिन तो नहीं, ज़्यादा एक हफ़्ता, दो हफ्ते, महीना, सालों, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि वो देखते हैं कि उन्हें आखिरकार एक इंसान नज़र आता है। तो वो इंसान जो है, कासिम भाई बड़े खुश होते हैं, इमाम मेहदी बड़े खुश होते हैं कि मैं अब इसको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मुझे कोई मिल गया काम। इमाम मेहदी का मकसद ही दुनिया में अल्लाह ताला की वदानियत को कायम करना है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है ना, तो वो उस मकसद को, और मटेरियल सब ख़त्म हो चुका है, ना कोई बिज़नेस रहा है, ना कोई कारोबार रहा है, ना कोई बिल्डिंग्स रही हैं, ना कोई जहाज़ रहे हैं, ना कोई गाड़ियाँ रही हैं, कोई कुछ भी नहीं रहा, बस दो इंसान हैं वो बस रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका बेटा कासिम। तो उसमें फिर वैसे भी कोई इंसान हो तो उसको अल्लाह ही याद आएगा, लेकिन वो तो हैं ही इमाम मेहदी, उनका तो मकसद ही यही है। तो वो उसके करीब जाते हैं तो उसको फिर आवाज़ देते हैं या बुलाते हैं, जैसे भी होता है, तो वो फिर एकदम पीछे मुड़ता है। तो वो जब पीछे मुड़ता है तो कासिम भी देखते हैं, वो तो इबलीस होता है जो इंसानी शक्ल में ज़मीन पे आया होता है, जैसे कि इबलीस इंसानी शक्ल में पहले भी आता था शुरू में, तो बाद में फिर नहीं आता वो, लेकिन फिर वो आखिर में फिर वो इस तरह से आएगा। तो फिर वो कुछ अल्फाज कहता है, वो डायलॉग मुझे सही याद नहीं है कि वो कासिम वो अल्लाह वालम है, वो नहीं क्वेट को, लेकिन वो गुस्से में होता है कि कैसे दज्जाल को इमाम मेहदी की वजह से कत्ल कर दिया गया, कैसे इमाम मेहदी के थ्रू अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के ऊपर वदानियत अपनी कायम कर दी थी फाइनली। तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उनका। तो आखिर वो फिर इंसानी शक्ल में आने की हिम्मत करता है और वो जूँ ही कासिम भाई उसके करीब पहुँचते हैं अल्लाह की तावत देने के लिए, तो वो वापस मुड़ता है, तो वो असल में इबलीस होता है जो इंसानी शक्ल में आया होता है। तो वो उसके पास कोई चाकू या खंजर कोई चीज़ होती है तो वो कासिम भाई को मार देता है। तो फिर इमाम मेहदी जो है वो फिर बिल्कुल ज़ख्मी हालत में वापस जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के बहुत परेशान होते हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ, खूनों खूनों के ज़ख्मी होकर मेरे पास आया है। और खैर वहीं पे फिर इमाम मेहदी की शहादत हो जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, या उनकी बाहों में या उनकी गोद में सर रख के, वल्लाहु आलम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हाथों में इमाम मेहदी की शहादत होती है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनको दफनाने का इंतज़ाम करते हैं, अपने हाथ से दफनाते हैं, और फिर उनके जनाजे का भी अल्लाह ताला बंदोबस्त फरमाता है। तो इस तरह से इमाम मेहदी की शादी होती है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वो इन्होंने वहाँ पे उनसे कासिम भाई से एक सवाल किया था, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया था। तो वो किसी भी ड्रीम के जिक्र कर रहे थे कि वो फात भाई हैं जो कराची वाले ना, तो वो बैठे हुए थे हम सारा कुछ, तो आपने उनको कहा था कि जो काबा है वही पाकिस्तान में आ जाएगा
मतलब इस तरह की आपने बात की है, तो यह उनका ड्रीम है, तो वो मुझे उस ड्रीम का पता नहीं है, वो ड्रीम है कौन सा, लेकिन उसका जिक्र मैंने बहुत सुना करते रहते हैं। क्यों फतवे लगवाने लगे हैं फिर कभी इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह। नहीं नहीं आप ऐसे ही बताना तो पड़ेगा इतना आज मौका मिला तो फिर नहीं तो सही बता देगा, इसको बताओगा ड्रीम का तो आपको पता छुपाना भी नहीं चाहिए अल्लाह की तरफ से जो ड्रीम आया वो। लेकिन बाज़ अवकात ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जिनसे फितना क्रिएट होने का चांस हो, तो वो वैसे तो देखे ना गुंबद और ड्रीम्स तो वैसे भी ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ड्रीम्स है ना, गुंबद और मेहराब इस्लाम में बनाना अब मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। तो मस्जिद नबी के ऊपर गुंबद बना हुआ था, तो वो इस हिकमत के तहत नहीं तोड़ा गया कि लोगों में फितना फैलेगा। तो ऐसी बात है कि अब ज़रूरी तो नहीं है एक अवामुन्नास के सामने, आम पब्लिक के सामने आप ऐसी बात करते हैं जो हर किसी के समझ में ना आए, तो फिर तो ये सेशन ही आपने से रखा था कि वो चीज़ें बताएं जो, तो आप पूछें ना ऐसी बातें जो मैं बता सकता हूँ चलें वो फिर फिर इंशाल्लाह चलें, अगर नहीं है बताने वाले तो बेहतर समझते हैं जैसे जैसे अल्लाह ताला को मंजूर है। ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे समझे आप कैमरा बंद है, आप बता दें चलें। वो ऐसे होता है कि कासिम भाई ख्वाब में देखते हैं कि उनके घर के करीब ही ना एक जगह पे, ज़्यादा दूर नहीं, बस उनके घर से कुछ 100 मीटर पे नहीं, कुछ 100 मीटर होगा रफली, वो देखते हैं कि खाना काबा अल्लाह ताला ने उधर शिफ्ट कर दिया। रियल में वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कमर्शियल एरिया टाइप है, लेकिन कासिम भाई ड्रीम में ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वो सारी दुनिया के मुसलमान हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, खाना काबा अल्लाह ताला ने उधर शिफ्ट कर दिया। तो लेकिन ये है कि कोई भी उधर आके ना, मतलब उधर खाना काबा इधर आके लाहौर में आके नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो अल्लाह ताला फिर मुसलमानों की नमाज वग़ैरह ही कबूल करने से इनकार कर देता है। तो आखिरकार इस तरह जब होता है तो फिर फाइनली इमाम काबा जो है ना, उन्होंने जो देखा है शेख अब्दुलरहमान अस्तुदयास को देखा है, वो फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इबादत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो वो फिर आते हैं इधर लाहौर में जो खाना काबा होता है वहाँ वो नमाज पढ़ाते हैं या जो भी मामला इस तरह से करते हैं, या शायद ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद फिर नमाज भी कासिम भाई को पढ़ानी होती है, इस तरह का मामला है। लेकिन ये होता है कि वो शेख अब्दुलरहमान अस्तुदयास भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्लाह ने अब खाना काबा पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया है, तो फिर अल्लाह ताला दोबारा से उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, नमाज वगैरह कबूल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं बता इसलिए नहीं रहा था ऑन कैमरा कि अब लोग ये समझेंगे कि भाई खाना काबा इधर आ जाएगा या इधर मुड़ के नमाज पढ़नी है, ऐसा नहीं है। खाना काबा ड्रीम में सिंबॉलिक होता है और इससे मुराद खिलाफत है अल्लाह की, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की तरफ से दीन का मरकज़, वो जो है अब वो लाहौर होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए वरना लोग मतलब वो समझेंगे कि नऊज़ु बिल्लाह अब इस तरफ पढ़ के नमाज, ऐसा नहीं है, इस तरफ मुड़ के नमाज नहीं पढ़नी, नमाज उसी तरफ मुड़ के पढ़नी है। लेकिन मरकज़ खाना काबा अगर आप ताबीर रुया में भी देखें ना, तो आपको इस तरह की ताबीर मिलेगी, बादशाहत, हुकूमत, खिलाफत, इससे मुराद ये होती है। तो यानी कि वो अरबों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब अल्लाह ताला ने मरकज़ को मरकज़ लाहौर में बना लिया। और ये शेख अब्दुलरहमान अस्तुदयास से मुराद जो मजहबी लीडरशिप है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोहम्मद कासिम इमाम मेहदी, और उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अब मरकज़ पाकिस्तान को बना दिया है, लाहौर को बना दिया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये वो ड्रीम था कि जो मेरा ख्याल है कि पब्लिक में बताना। इसके अलावा और भी बहुत ड्रीम होंगे, आपको तो पता होंगे, आपने बहुत टाइम गुजारा कासिम भाई के साथ। अब डिपेंड करता है, अगर आप मुझसे पूछें कि वो कौन सा ड्रीम है कि जो आप बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे पब्लिक में, तो वो यही वाला होगा। तो बाकी होंगे बहुत, अब वो डिपेंड करता है आपका कोई सवाल जो उन्होंने ना आपको लगा हो कि उसमें और कोई डिटेल है तो आप पूछ सकते हैं। वो जो ट्रेन वाला ड्रीम है वैसे भी, इसमें कासिम भाई अपने साथियों को ले के तो
जा रहे होते हैं मेरे ख्याल से हज़रत ईसा से मिलने जा रहे होते हैं जी, तो वो फिर उस पर यजूज मजूज का हमला हो जाता है। तो अब ड्रीम में जो सीक्वेंस आ रहा है, मतलब यजूज मजूज ने तो हज़रत ईसा के बाद आना है ना, हज़रत ईसा जब दज्जाल मर जाएगा तब आना है ना, तो ये तो अभी उनसे मिलने जा रहे हैं तो उसी टाइम हमला हो गया उनका। तो हज़रत ईसा, तो हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो दज्जाल उनको देख के पिघलने लग जाएगा, उनकी मौजूदगी से ही पिघलने लग जाएगा। हाँ, पहले से वो तो वो फिर उन कत्ल किया जाएगा। तो वो ऐसे नहीं हो कि वो आएंगे उतरेंगे तो वेट कर रहे हैं कहीं पे कैंप लगाएंगे, ऐसा नहीं है, बस वो आते साथ उसको कत्ल किया जाएगा। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे फ़ौरन ही दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो सेम डे की बात होगी, तो उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ, सेम डे की बात होगी, दज्जाल तो कत्ल हो गया, लेकिन इमाम मेहदी अपनी जो भी वो दज्जाल के खिलाफ जंग है, सिस्टम है, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत है, तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे मौजूद हों उस वक्त ना। तो वो इमाम मेहदी फिर जो है वो जहाँ कहीं पे भी होते हैं वहाँ से एक बहुत फास्ट ट्रेन, वो ट्रेन ऐसी जो उनको दिखाई गई है कि वो बहुत ही फास्ट स्पीड ट्रेन होती है, कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि वो इतनी तेज़ होती है कि वो ट्रेन भी चल रही होती है और ज़मीन भी चल रही होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ही तेज़ होती है वो। तो उसमें फिर वो जाते हैं, यानी वो दज्जाल से छुपाने के लिए जिस जगह पे अल्लाह ताला ने कहा होता है ना कासिम भाई को कि यहाँ पे लोगों को रखें, तो वो वहाँ से फिर लोगों को, उन लोगों को ख़ास जो अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड लोग होते हैं, उनको लेके फिर हज़रत ईसा के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो ये तो यानी कि वो जब कहीं और होते हैं, दज्जाल को कत्ल कर दिया गया, वो कहीं और हैं, उनके पहुँचने से पहले इस दरमियान में इसी असना में याजूज मजूज खुल जाते हैं। तो यानी अभी वो रस्ते में ही हैं तो याजूज मजूज खुल गए हैं, लेकिन इनको अल्लाह ताला महफूज रखता है इन लोगों को, यानी रस्ते में कुछ एनकाउंटर थोड़ा सा हो जाता है, यानी ये नहीं कि वो याजूज मजूज टूट पड़ते हैं, बस कोई एक दो नज़र आते हैं कुछ इस तरह होता है। तो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन से उतरने के बाद, दज्जाल को कत्ल किए जाने के बाद, इमाम मेहदी का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचने के दरमियान उस असना में याजूज मजूज खुल जाते हैं, वो उस ट्रैवल में होते हैं। और जो कासिम भाई को ड्रीम में दिखाया है, चलो मैं वो भी बता ही दूँ कि वो जिस जगह पे रखा होता है अल्लाह की तरफ से ख़ास, यानी जिनको अल्लाह ने अमान दी होती है, वो पाकिस्तान के कोई इलाका, पहाड़ी इलाका होता है, वल्लाहु आलम कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में से कोई होता है कुछ। तो फिर वो यहाँ से जाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, और जैसे हमें रवायत में बताता है कि वो दमिश्क और उस इलाके में मिडल ईस्ट में आएंगे, तो फिर वहाँ मूवमेंट जितनी भी फास्ट ट्रेन हो, जहाज़ हो, जो भी हो, कुछ टाइम तो लगेगा ना, कुछ घंटे ही चलो सही, तो उस दौरान में ही, वल्लाहु आलम कितना टाइम लगता है, घंटे लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, लेकिन उस दरमियान में ही याजूज मजूज खुल चुके होते हैं, और वो ऐसा दरमियान में थोड़ा सा इनकाउंटर होता है, लेकिन फाइनली वो सेफली पहुंच जाते हैं वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। और फिर जब वो हम पहुँच जाते हैं ना, फिर वो वहाँ पे कौन सिचुएशन होती है कि नमाज का वक्त होता है, तो इमाम मेहदी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर इमाम मेहदी को कहते हैं, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को, कि आप पढ़ाएं। वो इस तरह से होता है, तो फिर फाइनली इमाम मेहदी एग्री करते हैं, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम एग्री करते हैं कि अच्छा मैं इस शर्त पे आज पढ़ाऊँगा नमाज के मतलब हाँ, ये आज मैं पढ़ाऊँगा, बाकी फिर आइंदा से आपने पढ़ानी, आइंदा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो उनका एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर वो वाली नमाज कासिम भाई पढ़ाते हैं, आइंदा से बाकी नमाज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, हदीस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यजूज मजूज के मतलब कहीं ये मतलब सिग्नल मिलता है कि वो इसी ज़मीन में कहीं किसी जगह अल्लाह ने उनको छुपाया हुआ है, या वो जो, या कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं ना, कुछ लोग मतलब देखें उनका ये है कि वो किसी दूसरे सियारे से, तो ये मैटर करता है इस ज़मीन पे हों किसी और सियारे में हों, मतलब ठीक है चलो मान लिया किसी और सियारे में, चलो मान लिया इसी ज़मीन में है, तो ये मैटर नहीं करता ना, मतलब जब आएंगे तो वो, उन्होंने तो उनको मारना है कि जिन्होंने दज्जाल की पूजा की होगी, तो चाहे वो आसमान से आए चाहे वो ज़मीन से निकलें, ये क्या है, मतलब अगर ये इस पर मैं कोई साइंटिफिक रीज़न दूँ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक खाम खा की बहस ही होगी। वैसे कहावत ही है, सुना हुआ ही है किसी से कि जब ना हलाकू खान ने हमला किया था बगदाद के ऊपर, तो जो बादशाह का दरबार था, खलीफा का दरबार था, उसमें बहस ये हो रही थी कि
मंतक से साबित करना था कि ऊँट सुई के नक्के में से गुजर सकता है या नहीं। मंतक क्या होती है, अगर अब्दुल्ला तौसीफ़ की तरह है और तौसीफ़ खिज़र की तरह है तो अब्दुल्ला खिज़र की तरह है, ऐसे ही है ना। देखिए ना, अगर अब्दुल्ला की एज तौसीफ़ की एज जितनी है और तौसीफ़ की एज खिज़र की एज जितनी है, तो इसका मतलब है कि अब्दुल्ला की एज खिज़र की एज जितनी है। ये होता है मंतक, लॉजिक, बात से बात बनाना, रीज़निंग देना, ठीक है। तो ये रीज़निंग ऐसी है कि आप ना मतलब इससे बड़ी उल्टी चीज़ें भी प्रूव कर सकते हैं। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, वाई इज़ इक्वल टू जेड, देन एक्स इज़ इक्वल टू जेड, और पता नहीं क्या क्या, ये ऐसे मंतक ना, लॉजिक। तो वो फिर ना लॉजिक और वो इस तरह से ना प्रूव करते रहते हैं। यही वजह है कि जब ना आइंस्टाइन ने कहा था ना ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो वो मोस्टली साइंटिस्ट ने उसको, उनको गलत लगा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मादा डिस्ट्रॉय, और रूल है ना फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में से है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी की भी बात, एनर्जी सॉरी। और इसी तरह मैटर का भी है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये साइंस मानती है कि क्रिएटर सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इसमें मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ईज एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, मैस मल्टीप्लाइड बाई डबल द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट डबल मतलब स्केयर द स्पीड ऑफ लाइट। तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि मैटर को आप, यानी वो मैटर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने मानने से इनकार इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि ये मंतकी बात भी हो सकती है कि आप मैथमेटिकली ये कर रहे हैं, मंतक से ये प्रूव कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकेगी। मैथ्स में शायद कोई हमने फ्लॉ ढूंढ लिया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली भी बाद में जब एटम बम इन्वेंट हुआ तो प्रैक्टिकली भी इन्वेंट हुई, तो प्रूव हुई। कहने का मकसद ये है कि यानी वो मंतक ऐसी चीज़ है कि उससे, यानी साइंसदानों को भी पता था कि इसमें ऐसी चीज़ प्रूव हो सकती है जो फाइनली, जो प्रैक्टिकली ना हो। तो खैर, मंतक पे कितनी लंबी हमने बात कर ली, बात ये थी कि वो मंतक से साबित करने की कोशिश, हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि चाहे ऊँट सुई के नक्के में से भी गुजर जाए तो भी, यानी अल्लाह ताला ने इम्पॉसिबल की एग्जाम्पल दी है कि ये इम्पॉसिबल है फिर भी। तो ये कहावत है समझने के लिए, तो क्योंकि ला हासिल बहस हो रही थी, तो फिर जब अलाकू खान दाखिल हुआ तो ला हासिल बहस हो रही थी, ना सिक्योरिटी उनकी अच्छी थी, ना हुकूमत उनकी अच्छी थी, ना गरीब खुशहाल था। तो यही मामला है, आज भी अगर आप इस बहस को छेड़ दें तो मज़ा बड़ा आएगा, चस्प बड़ी आएगी, लोगों को इंटेलेक्चुअलिज्म भी नज़र आएगा और शायद मतलब कि व्यूज़ भी मिल जाएँ, लेकिन उसका अमलन कोई फ़ायदा नहीं है। अमलन यह है कि आपने ईमान मजबूत करना है, दजाल का साथी नहीं बनना। तो चाहे यजूज मजूज आसमान से गिरे या जुपिटर से आएँ या किसी दूसरी गलेक्सी से आएँ या ज़मीन से निकलें या समुंदर से निकलें, इन एनी केस उनका काम वही होगा कि उन्होंने जिन लोगों को दजाल, जिन लोगों ने दजाल को फॉलो किया वो उनके ऊपर अजाब बन के आएंगे। तो जहाँ से भी आए ये नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि अल्लाह ताला हमें दजाल के फितने से महफूज रखे ताकि हम याजूज माजूज के अजाब का शिकार ना। अच्छा वल्दी, हज़रत ईसा के बारे में मैं एक आलिम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो जब आएंगे तो उसके बाद दुनिया में 40 साल हुकूमत करेंगे। तो अब जो कासिम भाई की ड्रीम्स को हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें तो ये नहीं मतलब मिलता कि वो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको इंशाल्लाह अगली एपिसोड में देखेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद की तरह हम भी ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट छोड़ देंगे ताकि आप अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।